हे भोले बाबा, तू सबकी मनोकामना पूरी करे। आज मैं भी तेरे दरवाजे पे फरियाद लेकर आया हूँ, मेरी भी मनोकामना पूरी करियो बाबा। जय भोले की। मेरा भी ब्याह करवा दे, मन एक बहु का छोटा रे। मैं भी तेरा भगत हूँ भोले, बड़ा नहीं तो छोटा रे। मेरा भी ब्याह करवा दे, मन एक बहु का छोटा रे भोले। मेरा भी ब्याह करवा दे, मन एक बहु का छोटा रे। बिना बहु परेशान रहूं, कहूं किससे अपना गम भोड़े। नई बहु घर में आ जा, मेरा दुख हो जागा कम भोड़े। हो जा आत्मा खुश मेरी, तेरा पाके बड़ा करम भोड़े। बहु की पायल छम छम बाजे, मैं बोलूं बम बम भोड़े। सुबह शाम तेरी करूं आरती, फोड़ू नारियल मोटा रे। मेरा भी ब्याह करवा दे, मन एक बहु का टोटा रे बोले। मेरा भी ब्याह करवा दे, मन एक बहु का टोटा रे। बहु के आने से बाबा मेरे घर में साफ सफाई मिले। लत्ते कपड़े धुले हुए, मन रोटी बनी बनाई मिले। हंसते बोलते टेम कटे ना, मुंह पे उदासी छाई मिले। लाइट भाग जाने पे भी बाबा हुसन की लाइट आई मिले। घोर अंधेरे में साड़ी का चम चम चमके गोटा रे। मेरा भी ब्याह करवा दे, मन एक बहु का टोटा रे बोले। मेरा भी ब्याह करवा दे, मन एक बहु का टोटा रे। बबलू बेटा, बबलू खड़ा हो जा, सुबह होगी, 9 बज गए, उठ जा। ये कह रही 9 बज गए? अरे तो मुझे 1 घंटा और सोने दे, 10 बजे उठा दिए। हे भगवान, बहुत बेकार छोरा, ना घर के काम में हाथ पटवाता ना बहु लाता। अरे चाची, बहु यो ना लावे, बहु तो मैं ही लाऊंगा। हैं भाई, वाह यार, हो तो तेरे जैसा, पर ना तो सुसरे के होते ही हार्ट फेल हो जा। चाची, मैंने बबलू के लिए बहु देख ली, बहुत ही सुंदर और सुशील है। पर के बेटा, मैंने उनसे एक झूठ बोल दिया कि बबलू की यूपी पुलिस में नौकरी लगने वाली है। और इसमें झूठ बोलने की बात है, एग्जाम तो मैंने पुलिस का दे ही दिया और मैं पास भी हो जाऊंगा। और रही बात फिजिकल की, फिजिकल तो यूं मार दूंगा मैं चुटकियों में। अरे बेटा, मेरा भी अरमान है, जैसे इसका बापू पुलिस में था ऐसे ही हो जा। अरे माँ, तेरे अरमानों के चक्कर में मुझे अपने अरमानों का गला घोटना पड़ रहा, नहीं तो मेरी इच्छा तो हीरो बनने की थी। सोनोटेक कंपनी से कई ऑफर आ गए मुझे। ओहो रहन दे, कहीं ना तू धर्मेंद्र बनेगा, नौकरी पकड़ के घर बसा ले अपना, इस घर में बोलिया। हाँ अब तो यू काम करना ही पड़ेगा, तेरी बात को घेर तो नहीं सकता मां। बता भाई शेर सिंह, कद करवा रहा मेरे पीले हाथ। भाई बबलू, कल मैं गया था कुलीमानपुर गांव में, वहां मैंने एक हंसता खेलता परिवार देखा। तो लड़की भी बड़ी सोहनी है, लेकिन उनकी एक शर्त है, ना तो वो 4 रुपए किसी के खर्च करवाना चाहते और ना करना चाहते। उन्होंने कहा अगर जिम्मेदारी तुमने ले ली तो भैया 4 आदमी लाओ और अपनी को फेरे डाल के ले जाओ। अरे राजवीर। हाँ बापू। वो पंडित के बच्चे को फोन कर ले, कहाँ रहेगा वो? बापू सुसरे को कई बार फोन मिला लिया, स्विच ऑफ जा रहा। बापू एक बात बता, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा, हम भी तो पंडित हैं, 4 मंत्र तू ही पढ़ ले। हाँ तो चल कर काम शुरू। ठीक है, हम क्यों बाट देखे, हम भी तो पंडित हैं। ले अब करी तैयारी। रे रेनू का ढोलक तो बजा ले। मेरे पे ना आती ढोलक बजानी। रे मौसी तू ही बजा ले। यू काम तो थारा, हमारा ना। अच्छा, अरे चंद्रो तू ही बजा ले। मारे बस की ना, थारी ढोलक बजानी, अपने आप बजा लो। चल ढोलक हम बजाओगे। चलो बच्चों फेरा शुरू करो। बापू
दिखे फेरे सुनते गेरिए कदी लोन जा उल्टी आ जा। तू चुपचाप ढोलक बजा ले। विदाई की रस्म करवा ले। विदा करे बापू। हाँ बापू, समदन के तो खसम नहीं और तेरे लुगाई नहीं, थारा भी गेल करवा दो जुगाड़। विदाई का जुगाड़ कर पहले। ओम जीजबान बताओ किसके फेरे फिरवाने हैं? किसके फेरे गेरेगा अब? फेरे तो पढ़ लिए, अब आया घर से लिकट के। जिजबान मेरे पे तो तीन बुकिंग थी आज की, तारे चक्कर में तो मैं उन्हें छोड़ गया। जब फिर होली तो लाओ मेरी दक्षिणा दो। काहे की दक्षिणा मांग रहा पंडित जी, फिर तो मैंने कह रहे हैं। तू क्या सोच रहा, दाई ना हो तो बाड़ा खोवे ना। पंडित जी फिर तुम न गिरो या किसी और न गिरो, मुझे तो मेरी दक्षिणा चाहिए। तुम नहीं दोगे लमड़े वालों से ले लो। मैं तो लाओ जी दूल्हे राजा, दक्षिणा के 1100 रुपए दे दो। चुपचाप चला जा, नहीं तो 1100 रुपए की जगह 11 गाली सुन के जागा मेरे पे। मैं क्यों देऊं, उनसे ले। वो तो मना कर रहे हैं। हाँ तो मैं मना कर रहा। या तो दक्षिणा दे दो अन्य मैं तुम्हें शराब दे दूंगा। मैं रोज पीऊं शराब, कुछ ना बिगड़े जा। तुम तो बड़े बदतमीज आदमी हो, शादी के बाद तुम्हारी गृहस्थी कभी सफल नहीं होगी। अपनी गाड़ी में बहू को बैठाओ और अपनी को लेकर जाओ। ना बिल्कुल नहीं, तेरा मेकअप खराब हो जाएगा, जा बैठ जा। यू मुंह सारा काला पीला हो जाएगा, ऐसे खम्मखा लगवा दिए। ये तेरा जाने को जीना कर रहा है सासु का, मुझे नहीं बता। बताना क्यों ड्रामा कर रही है? ला मैं जम्मा, तू हट। यू धोती मुझे दे, ला मैं जम्मा सिक्याल। चल भजीजा मैं चलूंगा तेरी गैल। अरे यार तेरा मैं क्या करूंगा ले जाके। अरे दो रोटी तो मैं भी सेक दूंगा। अरे भाई रोटी से काम थोड़ी चले, और भी बहुत जरूरी काम हो। और मेरे बस की नहीं भाई, जा रही जाती हो तो जा, अन्नी बता। जा रही हूँ, चलो जी बैठ। कोमल यार तेरी ये मृगनयन जैसी आंख, सुवासी नाक, गुलाब की पंखड़ी जैसे तेरे होठ, तू बड़ी कमाल की चीज है। इस कमाल की चीज के हाथ मत लगा दिए। क्यों, मैंने तेरे से ब्याह ना करा? ब्याह तो करा, पर जो तुम्हारे बिचौलिए ने ब्याह से पहले वादा करा ना, वो तो पूरा ना किया। अच्छा पुलिस में भर्ती होने की बात? वो तो मैं एक नंबर से रह गया था, अब के फॉर्म भर रखा, अब के हो जाऊं पास। अगर तुम एग्जाम में फेल हो गए ना तो सीधा अपने घर चली जाऊंगी, इस घर में नहीं रुकूंगी। अरे मैं फेल ना होने का, मैं पास हो जाऊंगा। और मैं सिपाही उपाही ना बनने का, मैं तो सीधा डीएम बनूंगा। अब करूं लाइट बंद? नहीं। क्यों कोमल? मेरा नाम ही कोमल है, वैसे मैं हूँ बहुत सख्त। अरे कोमल कल एग्जाम की डेट का पता चल जाएगा, मैं परीक्षा में 100% पास हो जाऊंगा। अब तू मुझे सुहागरात में तो फेल मत ना करे मरने से पहले ही। हाँ?
यार ये सुहागरात जो है जिंदगी में एक बेर आवे, हर महीने नाती। रात बहुत हो गई, सो जाओ, क्यों नींद की माँ बहन एक कर रहे हो? अरे मैं कह रहा हूँ कोमल मान जा। नहीं मानू। कदी मान जा। बिल्कुल भी नहीं मानू। ना मानने? ना। तेरी? बता मनाओगी सुहागरात या नहीं? मनाऊंगी। लोट शुद्धि हो गए। करूं बलबन? हाँ। और सुना माँ, अब तो होगी तेरी मनोकामना पूरी? अब तो आगे तेरे घर में सोनी सी बहू? मेरे बच्चे, मेरी दो मनोकामना और पूरी हो जा तो मैं चैन से मर जाऊं। और कौन सी मनोकामना रहेगी माँ? तन्ने भी मनोकामनाओं की गठड़ी सी बांध रखी। एक तो तू पुलिस में भर्ती हो जा, दूसरा मेरा पोता हो जा। बहू मारे तो भाग्य खुल गए, जो तेरी जैसी बहू मारे घर में आ गई। हमने तो कोई बड़े ही कर्म करे होंगे। माँ तेरी बहू वाकई में कोमल है, मुझे भी रात ही पता चला। माँ जी मैं भी ब्याह ना करवाती, वो तो पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया, इसलिए करवाना पड़ा, वरना जब तक ये पुलिस में भर्ती ना हो जाते तब तक मैं ब्याह ना करवाती। भर्ती तो अब भी होऊंगा, वो तो पिछली बार में रिटर्न में एक नंबर से ही तो रह गया था, अब की बार मैंने फॉर्म भर रखा, अब कह तो मैं बिल्कुल 100% पास हो जाऊंगा। बबलू भाई अब तो तू 6 महीने पीछे पास होवेगा। हैं 6 महीने पीछे के मतलब? भाई पेपर लीक होने के कारण पुलिस के एग्जाम 6 महीने पीछे हट गए। अरे किस मेरे ससुरे ने कर दिया पेपर लीक? अरे जिसने करा ससुरा जेल जावेगा। जेल तो मेरी बनगी, मेरे रिश्तेदार पड़ोसियों को यो पता मेरा पति पुलिस में। अरे लग जाऊंगा पुलिस में भी, 6 महीने की तो बात है, 6 महीने और सबर कर ले। 6 महीने की बात कर रहे हो? 6 दिन भी ना रुकूं इस घर में। अरे बहू कैसी बात कर रही है? कर रही हूँ, इस बिचौले ने झूठ बोल के मेरा ब्याह करवा दिया। मैं नहीं रुकूंगी 1 मिनट भी, अभी जाऊंगी अपने पियर। बहू ऐसा मत कहो, पुलिस की नौकरी नसी, नौकरी और मिल जाएगी। नहीं अभी जाऊंगी। अरे कोमल भर्ती तो मैं अब कहीं हो जाता, अब जब यूपी पुलिस का पेपर ही लीक हो गया तो इसमें मैं क्या कर सकूं? मैं ना रुकूं 1 सेकंड भी, जा रही हूं मैं तो। अरे कोमल मान जा, ऐसा मत करे। ना मानू। नहीं मानेगी? ना। जावेगी? ना जाऊंगी। मानेगी नहीं? ना। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ू, ऐसा ना करे। कितने ही जोड़ ले हाथ, मुझे फर्क ना पड़ता। ला तो तेरे पैर पकड़ लूं। मुझे ना पकड़वाने। तो जावेगी? मानने नहीं? ना। जा, जा। भैया तेने मेरे पे हाथ उठाया, अपना फोन दिए जरा 1 मिनट। मेरे पे ना फोन वोन। अच्छा फोन ना निकाल रहा, मैं खुद ही निकाल लूंगी। रे के बदतमीजी है। भैया राजवीर तुरंत मेरे घर पहुंच। क्या हुआ कोमल? अरे तेरी बाण का लादीन का जिन्न मारूं। 1 सेकंड में ही प्रकट हो गया। बबलू तुझे बहन भाई के सच्चे प्यार की ताकत का पता नहीं है? जब बहन पे कोई विपत्ता आवे ना तो भाई तुरंत प्रकट हो जावे। ले पकड़ अपना फोन। भैया राजवीर हमारे साथ धोखा हुआ, इस बिचौलिया ने झूठ बोल के हमारा ब्याह करवाया। अच्छा मारी गया इतना बड़ा धोखा? चल कोमल तू घर को चल। अरे भाई राजवीर बात ऐसी है, यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, एग्जाम 6 महीने पीछे हट गए, ना तो मैं अब कहना हो जाता भर्ती पुलिस में। ठीक है भाई 6 महीने बाद ही आजिए से लेन, जब तो पुलिस में लग जाएगा। बेटा ऐसा ना कह, मारी इज्जत खराब हो जाएगी। अच्छा थारी इज्जत तो इज्जत होगी, हम बेइज्जती वाले हैं, तुमने लोंडिया की जिंदगी खराब कर दी। चले कोमल हटा। अरे बबलू भाई यू सवेरी सवेरी के महाभारत सी रच रखी। अरे कुछ बात ना भाई, मारे घर का मामला है तो अपने घर को जा। कुछ बात कैसे ना भाई, मैं बाहर खड़ा सारी बात सुनने लग रहा था, असली बात तुम बता नहीं रहे। अरे यार कालू इसकी तो वो भागी, इसका वैसे दिमाग खराब हो रहा तो हो रहा है यहाँ वकील बनने जा। अरे शेर सिंह भाई मैं तो पड़ोसी होने के नाते बुझन आ गया था, तुम नहीं बताते? कोई बात नहीं भाई। अरे वो कालू के बच्चे चुपचाप अपने घर को चला जा,
नहीं तो कोमल का सारा गुस्सा तेरे ऊपर तार दूंगा। ले भाई, भलाई का जमाना ही ना रहा। अरे सेरसिन, तेने कालू के आगे क्यों कह दी के बबलू बहू भाग गई? ये तो पक्का चुगल खोरेगा, पूरे गांव में प्रचार कर देगा। माँ ठीक कह रही है शेर सिंह, तुझे यू बात कालू को आगे नहीं बतानी थी, यू तो साला पूरे गांव में ढोल बजा देगा। चाची तू चिंता मत ना करे, मैं समझाऊंगा कोमल और उसके घर वालों को। बेटा शेर सिंह, तू ही बेचौलिया है, अब तो तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है चाची, मैं चलूं। चल बेटा, रोटी खा दू तेरे लिए। अरे किसका जी कर रहा रोटी खाने को, दिमाग वैसे खराब हो गया, मूड खराब हो रहा थोड़ा, बैठो आराम से। हे भगवान, पता नहीं मेरी बच्ची किस्मत कैसी टूटे थुनके से लिख रखी, पता नहीं क्या होगा। ताऊ राम राम। राम राम बेटा, राम राम, बहुत दिन में मिले हो। ताऊ तुम्हें एक बात का पता चला? ना ना हमें कुछ पता नहीं भैया। ताऊ बबलू की बहू भाग गई। क्यों भाग गई भैया? बबलू में कुछ कमी बताई। अच्छा, फिर तो भागते। अब मैं 10-20 आदमियों को और बताया हूँ। ठीक है भैया, तेरे मेरे प्यार की है ये दास्तां, मैं तेरी जमीन हूँ तुम। आज मैं तुम्हें बबलू भाइयों और उसकी नई नवेली लुगाई का महाभारत अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। मेरे यार, कल तो उसका ब्याह हुआ, आज कैसे महाभारत हो गया वहाँ? नंबरदार, तब महाभारत की बात कर रहे, वहाँ तो पूरा महायुद्ध हुआ भाई। बबलू ने गुस्से में आए के अपनी बहू पर हाथ ठा दिया, और फिर बबलू की बहू ने ठाएगा लाठी धू कमर में, भाई कमर लाल सुरख कर दी बिल्कुल। फिर क्या हुआ भाई? फिर बबलू की बहू ने अपने भैया को फोन कर दिया, एक मिनट में उसका भैया आगा और ले जाकर कोठे में उसकी सोर से धुन दी। बबलू भैया तेरी डूब की नैया। फिर बबलू कोठे में तो बाहर निकट आया, और बाहर निकटते ही उसकी बहू ने फिर उसकी धुनाई शुरू कर दी। वो तो भाई मन ने नीट का छुड़वाया, और ना तो पता ना क्या करता उसकी गैर। हराम के बीज और कुछ कसर रह रही हो तो और चुगली लगा दे मेरी उल्टी पुल्टी। बबलू भाई मैं तो मजाक कर रहा था। पर मैं मजाक ना करूं, मैं तो तेरी गुद्दी छेदता हूं। ओ मर गया रे, या या ये मर गया रे, आ मर गया, या 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 ये मर गया, अरे मर गया। अरे भैया छोड़ दो, अरे तुम क्यों मार रहे हो मुझे, तुम तो छोड़ दो। हां छोड़ दूंगा, तन्ने एक घंटा खराब करा, एक बोतल के पैसे दे जा और चला जा। 500 का नोट पड़ा था, तुम कर लो भैया, अरे मर गया रे। ले बाज, सांझ का तो जुगाड़ हो गया पार्टी का, दारू की पार्टी चलेगी बढ़िया वाली। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मुझे भी। अरे दो ले लिए, एक की ऐसी की तैसी मार। भाभी राम राम। राम राम बबलू, आजा। एक बात बता बबलू, लोग नु कहते फिरे तेरी बहू भागी, यू बात सच है? रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया। पालू है ना, वो बतत्ता फिरे सारे गांव में। अच्छा, अब पता चला मुझे इस बात का स्टार प्रचारक कौन है, यू कालू अपनी इस्तेसी मरता फिर रहा सारे गांव में। देवर नु बता, ऐसी के बात होगी थी जो बहू एक रात रुकते ही भागी, मैं तो घने घटिया खानदान की लगी। अरे ना भाभी, खानदान तो बढ़िया है उनका, और कोमल भी बढ़िया है, उसके भागने का कुछ और कारण है, आ जाएगी 2-4 दिन में, टेंशन मत ले। बताओ सुसरी को ब्याह करवाना जरूरी था, जी ससुर एड महीना रहना था, पर के पता चाची दुलारी ने कुछ दहेज मांग लिया हो, या सासू बहू की कुछ कवा सुनी होगी हो, के पता नो भाग गई हो। ताऊ राम राम। राम राम बेटे, राम राम। और ताऊ ठीक ठाक सब राजी? हाँ भाई, मैं तो राजी हूँ। और मैं के राज्य तो ये पूरा गांव हो रहा। पूरा गांव राज्य हो रहा? पूरा गांव क्यों राज्य हो रहा? अरे तेरी बहू जो भाग गई। अरे बबलू भैया तेरी डूब की नैया। सारे गांव में रोला पड़ रहा, बबलू की बहू आज की बहू आज की। अरे तेरी बहन का कालू मारू, तन्ने तो रिसाले को भी बता दी। तूनू सोच रहा, उसने मुझे बताई, अब तक तो उसने पूरे गांव में पूर्ति होगी, उसके जेंद में बात जमना होती। यू कालू तो मेरे हाथों से मरेगा। अरे कालू को तो बाद में मार लिए, पर नू तो बता भले मानस, वो भाग्य किसकी गैल है? अरे वो तो अपने भैया की गैल गई है। भैया की गैल? जात थारी भाण खाई, अलाकरण हो गया भाई, धरती पटेगी, आसमान गिरेगा,
परले होगी परले। अरे भले मानस, आज तक हमने गर्ल फ्रेंड, चाची, ताई, भाभी और समधन तो भागती सुनी थी, पर यू पहली बार सुन रहे कि एक बहन अपने भाई को लेकर भाग गई। अरे बुड्ढे, वो अपने भैया को लेकर कहीं पिकनिक मनाने ना गई, वो अपने पीहर गई है। पीहर गई? हाँ। अच्छा, और यू बात किसी को बता मत दिए, इस बात को यहीं दबा दे, नहीं तो आज रात को आकर मैं तेरा टेंटवा दबा दूंगा। अरे भाई, तू किस किस का टेंटवा दबावेगा? इस बात का तो पूरे गांव को पता चल गया कि बबलू की बहू भाज गई। अरे गांव को तो मैं अपने आप देख लूंगा, पर तू अपनी जुबान बंद रखिए, समझ गया? समझ गया। ये सुसरे, तू दबावेगा मारा टेंटवा? अरे तो मैं सारे गांव को कम्मा, बबलू की बहू भाग गई, बबलू की बहू भाग गई, बहू भाग गई अपने भाई की गैल। अरे वैद जी, क्या हाल चाल है? हाँ नमस्कार, कहाँ चल दिए बबलू भाई? वैद जी, मैं तो अपने खेतों में घूमने जा रहा था। और सुना बबलू भाई, ठीक है? हाँ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे भाई, तू ठीक हो तो तेरी बहू थोड़ी भाजती। तुझे कैसे पता चला मेरी बहू भाग गई? भाई मेरे को कालू ने बताई थी। रे बबलू भैया, तेरी डूब की नैया। अच्छा, साले ने 3 मिनट में सबको बता दी, इतना बड़ा प्रचारक बन गया, आज मैं इसकी टांग तोड़ दूंगा। भाई कालू की टांग तोड़े थे तेरी लुगाई वापस नाने की, मेरी बात मान ले, अपना इलाज करवा ले। अरे वैद जी, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ऐसी तो कोई बात ना है। अरे भाई, वैद के आगे कुछ मत छिपावे, तेरा बढ़िया इलाज कर दूंगा। अब तू ऐसा चला जा, ना तो मैं तेरा इलाज कर दूंगा, ऐसी मार लगाऊंगा सारी वैदगिरी भूल जाएगा, समझा? अच्छा भाई, मत करवा इलाज, मन न के पछताओगा एक दिन ऐसे बहू नाने की। रे बबलू भैया, तेरी डूब की नैया। उर्मिला माँ जी। हाँ आई। उर्मिला माँ जी। हाँ कौन है? बाहर कुताओ एक बार। आ रही हूँ। हाँ भरपाई, बता के काम आई? अरे मैं कुछ काम ना आई, मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही। हाँ बता के बात है? अरे चाची, सारे गांव में रुका पड़ रहा, बबलू की बहू भाज गई। ए बेटी, अभी तो कलयुग चल रहा, पहले कुआरी भी न भगई, अब ब्याही भी भगन लगी। अरे तू ब्याही की बात कर रही, कई कई बालकों की माँ भी भागने लग रही। अरे और भग रही तो भग रही, पर बबलू की बहू का दुख है, सुद्धा लड़का है वो ना भगती बस। चल चाची, मैं फेर आऊंगी, मुझे 2-4 लुगाइयों को और बताना। लाली कर ले, तेरा तो काम है यो। हेलो भाई, सब गांव वालों से प्रार्थना है कि अपने अपने छोरों की खुराक लगा दो, ताकि वे ताकतवर बन जा, नहीं तो बबलू की बहू की ढाल, उनकी भी बहू भाग जाएगी। हेलो हेलो हेलो, ए अपने अपने लोंडो की बढ़िया बढ़िया वैद्यों का दवाई लगवा दो, ताकि वे तंदुरुस्त हो जा और उनकी बहू थमी रहे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो बबलू की बहू की ढाल, उनकी भी बहू भाग जा और यू गांव लुगाइयों तक खाली हो जा। चल भाई। हेलो हेलो हेलो, गांव वालों आओ और मेरी बात सुनो ध्यान से, बहू रोको अभियान चलाओ। बताओ अब बबलू का ब्याह दोबारा कौन करेगा? एक बार तो मुश्किल हुआ था, दोबारा ब्याह क्यों करेंगे भला? जब भाजगी ब्याह तो दोबारा करना पड़ेगा। मारी क्यों भागती? मारी तो अपने भाई के साथ प्यार गई, भाग्य तेरी ननंती रमलू हलवाई के साथ जोबलो नाई। देख चाची, मेरी ननंद के बारे में कुछ मत कह दिए। फिर तू क्यों कह रही मेरी बहू के बारे में? तेरी बहू तो ताजा ताजा भगी। अख तेरी तो फिर तो पहले भाग गई थी, कुतिया कहीं की। मेरी ननंद को कुतिया मत कह दिए चाची। ननंद की छोड़, तू के जवानी में कम थी। देख चाची, ज्यादा बकवास करिए ना तो तुझे पता नहीं, तुझे ठोक दूंगी मैं यहीं। ठोके लगाइए हाथ, तेरे हाथ तोड़ दूंगी। अरे क्या बात है, क्यों रोड़ा मचा रही हो, क्या हो गया? देख ले बबलू, तेरी माँ कितनी जुबान चला रही। अरे भाभी तू अपने घर को जाम, तो वैसे ही परेशान है। तो मैं कौन सा ठाल ली हूँ, जाल लग रही, बतेरा काम है मजे। रे बबलू भैया, तेरी डूब की नैया। रे बबलू भैया, तेरी डूब की नैया।
माँ मेरे तो गांव में घनी बेइज्जती होली, अब तो मन न्यू कर रहा पंखे से लटक के फांसी खा लूं। फांसी खाए से बेटा इज्जत वापसी ना आने की, इज्जत वापसी जब आओगी जब हमारी कोमल बहू घर में वापसी आ जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है माँ, जब तक मैं पुलिस में नहीं लग जाऊंगा कोमल उल्टी नहीं आने की। बेटा तू मेरी बात मान, तू कल को कोमल को लेने चला जा, जब तू कोशिश करेगा ना तो वो मान जाएगी और घर वापस आ जाएगी। अरे मन ने थोड़ी भगाई है, अपने आप गई है तो अपने आप आ जाएगी, मैं ना जाऊं लेन। बेटा जितनी करा करते वो हमारे घर की इज्जत है, मेरी बात मान तू कल चला जा और से लिया। ठीक है माँ तू कह रही है, कल को चला जाऊंगा ले आऊंगा। साला कोई मुर्गा आ ही नहीं रहा। रुको रुको रुको। अरे क्या बात है, मेरी बाइक क्यों रुकवाई? मुझे तेरे से कुछ काम है। तुझे मेरे से क्या काम है, मैं तो तुझे जानता भी ना। जान पहचान भी हो जाएगी, चल अंदर। अंदर कहाँ? झाड़ियों में। मैं कोई पागल हूँ जो झाड़ियों में जाऊंगा? मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ। आज तेरी ससुराल यही मनेगी। क्या बकवास कर रही है, चाबी दे दे मेरी, ऐसा वैसा लड़का ना हूँ मैं। तो मैं भी ऐसी वैसी लड़की ना हूँ, बिजनेस है यो मेरा, और जो भी तेरे पास है चुपचाप यही निकाल दे, ऐसा बाइक को भी यही छोड़ दे। अच्छा मैं पैदल चला जाऊँ, बकवास बंद कर चाबी दे देना मेरी। हिम्मत है तो ले ले चाबी। तुझे शर्म ना आ रही, तेरे घर में बाप भाई ना है? बाप भी है भाई भी है, पर है दोनों निठल्ले, उनका पेट पालने के लिए तो मुझे यो काम करना पड़ रहा। अरे मेरा टाइम खराब मत ना करे, मुझे बहुत दूर जाना है, मेरी बहू बाढ़ देख रही है। ज्यादा शाना मत बन, चुपचाप जितने भी पैसे हैं सब निकाल दे। मैं एक रुपया भी ना दूं। ले ले तो चाबी। तेरी बहन का कल्लो मारू, रुक जा रुक जा मगा, समझा चाबी दे दे मेरी। नहीं देती। चाबी दे। बचाओ मुरली मुरली, बचाओ बचाओ मुरली मुरली, अरे ओ मुरली जल्दी आ मुरली, यो मेरी इज्जत लूटना चाह रहा। हाँ भाई तेरी इतनी हिम्मत होगी? तू मेरी रेशमा की इज्जत लूटना चाह रहा? अरे भाई मैं ना इसकी इज्जत पे इज्जत लूट रहा, यो मेरी बाइक की चाबी ले रही, मैं तो इससे अपनी बाइक की चाबी मांग रहा था। चाबी तो नहीं मिलेगी तुझे, अब जो तेरे पास माल पानी है सारा बाहर निकाड़। तो भाई फिर तू क्या करेगा पहलवान? ओ भाई गोली मत मारिए, मैं दे रहा हूं पैसे निकाड़ के। अरे ये तो नकली है। हाँ जी। अब बताओ थारी दोनों की पिटाई करूं या तुम्हें माफ करूं? माफ कर दो जी। चलो माफ कर दूंगा, पर भाई एक बात तो बताओ, सरकार ने इतनी योजना चला रखी है रोजगार की, तुम कोई रोजगार चला के अपना पेट नहीं पाल सकते हो, गलत काम करो? भैया जी उसके लिए तो लोन लेना पड़ेगा ना, और जब हम लोन लेने बैंक में जाओगे तो बैंक गारंटर मांगेगा। अरे भाई मोदी जी की मुद्रा लोन की जो योजना है उसमें गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी आईडी लेके जाओ और लोन ले आओ। भैया जी आज आपने हमारी आंख खोल दी, आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हाँ ले भाई इसे पकड़, इसे कबाड़ी को दे दिए, किसी गलत काम में यूज मत करिए नहीं तो जेल चले जाओगे। ठीक है जी। और ये लो आज का अपना खर्चा पानी, 500 रुपए तू ले और ये 500 रुपए तू ले। अरे अरे मेरी चाबी तो दे दो। सॉरी सॉरी भैया जी ये लो। रेशमा कितना भला आदमी था यो। सही कह रहा तू, बात भी अच्छी अच्छी बता गया और चलते वक्त 500 रुपए और दे गया। हाँ मुझे भी दे गया। मुरली आज तू कसम खा, आज के बाद हम दोनों कोई गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है बापू 200 रुपए दे दे। के करेगा 200 रुपए का? ज्योति की लिपस्टिक कर, करीम लामा लिपस्टिक क्रीम अभी लाया था 15 दिन पहले।
बापू खत्म होगी, दिन में 3 बेर लगावा हूँ, और जब मेरे होठ पड़ जा कदी का दाग मैं भी लगा लू। भाई मैं थारी गल पीछे केवल खा लिया, हराम खोर कुछ हिल्ला कर ले, मैं थारे खर्चा कब तक भरूंगा, जब मैं मरगा ना तो भूखा मरेगा भूखा। पिताजी आज वो आवेगा। कौन आवेगा? राजवीर का जिज्जा। तू मना न कर गई थी? मैंने तो बतेरी मना करी, पता ना क्यों आ रहा। लो जी चाय पी लो। कोमल ले चाय ले। बापू ले तू भी ले चाय पी ले। बापू 200 रुपए दे दे से। मैं ना पी ले। ओहो क्यों नखरे दिखा रहा, तेरे से 200 रुपए तो मांगे ना, 2-4 करोड़ रुपए मांग लिए। तुमका मानना हो तुम्हें देने पड़ेंगे। ले ला अलाली करीम पाउडर सस्ते भी आवे, उन्हें लगा लेकर जरूरी है तो महंगे लगाने। सस्ती वाली लिपस्टिक करीम लगा के देख ली, इसके मुंह पे घूमड़ी लिखड़ जा, फिर इसका मुंह देखने को भी जी नहीं करता। केले आगे। राम राम जी। राम राम जी। भाई लाला ये केले तुझे 6 महीने बाद दाने थे। 6 महीने बाद तो ये सड़ ना जाते। जब मैं मना करके आई थी तो फिर क्यों आया तू? रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया, रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया। कोमल गांव में हमारी बहुत बुरी बेइज्जती हो रही, तुझे चलना पड़ेगा। रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया। जब तक तू पुलिस में ना लग जाएगा ना, जब तक ना जाऊं। राजवीर तू ही समझा के देख ले अपनी बहन को। भाई मेरी बात तो मेरी बहू नहीं मानती, तेरी बहू के माननेगी, मेरा मतलब मेरी बहन के माननेगी। भाई तेरी बहू है, तू बात करके देख ले, जाती हो तो हमें क्या ऐतराज है, हमारी छाती पे तो बोझ ही धरी हो। पिताजी तुम ही समझा लो इसे कोमल को, चली जाएगी मेरी गैल। अरे ये बालक मन से जिद्दी है, जिस बात की जिद कर ले ना उसे करके मानना। भैया कोमल माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुझे चलना पड़ेगा, उस पे काम ना हो रहा। जब कह दी तुझसे जब तक पुलिस में भर्ती ना हो जाएगा ना जाऊं। ऐसा मन ना करे, तेरे बिना घर सुनना सुनना हो रहा, तुझे चलना पड़ेगा। ना जाऊं। अरे हाथ जोड़वा ले यार, ऐसा मन ना करे, चल। जब तुझे कह दी पुलिस में भर्ती हो जा। तो जब तक पुलिस में भर्ती ना हो तू बिल्कुल ना चले। ना जाऊंगी। बिल्कुल ना जावे। ना जाने की नहीं। ना जाने की। तेरी बहन का कोमल मारूं। अरे मैं ये मर गई। अरे राजवीर अरे लाठी ला काट के, अरे सारे लौंडे मार दे। अरे लाए ला लाठी ले चल बे जीजा, आज तेरा मार मार के बना देंगे पिज्जा। अरे कोमल ज्यादा तेज तो ना लगी? अरे भाभी मेरा सिर भिन भिन आ रहा, बहुत तेज मारा उत्ती के ने, मेरा गला सूख गया, पानी ला दे। लाऊं? राजवीर मार। बापू तू मार। अरे पहले तू मार। बापू तू मार। चल दोनों गैल मारेंगे। 1-2-3 मर गया। कोमल बबलू तुझे इतनी दूर से लेने आया, तू उसके साथ चली क्यों ना गई? भाभी मैं जब तक ना जाऊं उसके घर, जब तक वो पुलिस में ना लग जाएगा। अरे कोमल यू तो तेरी बेकार की जिद है, आज ना तो कल तुझे वहाँ जाना पड़ेगा। और सुन असली घर तेरा यू ना है वो है। उसने पहले पुलिस में लगने की बात क्यों कही थी? सारे रिश्तेदारों में हमारी बेइज्जती करा दी। लग जाएगी नौकरी भी, अब अपने भाई को ही देख ले, बिल्कुल बेरोजगार है। मैं भी तो झेल ही रही। हमने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था हमारा भाई बेरोजगार है, तभी तो झेल रही। भाभी मेरा वाला तो जब पुलिस में लग जाएगा और जब पुलिस की वर्दी पहन के मुझे लेने आवेगा मैं तब जाऊंगी। अरे बहन जब तेरे वाला वर्दी पहन के आवेगा तब चली जाइए, आजा चल चाय बना ले। मैं चल भाभी।
रे बापू क्यों टेंशन में बैठा, मारे के कोई मर गया? केले खा और मौज ले। मैं ना खाता। अरे बापू खा ले, क्यों ना खरीदी खा रहा, तेरे कौन सा पैसे लग रहे, फ्री में तो आ रहे। अरे उल्लू के पट्टे को टेंशन भी ले लेकर फिर कर ले घर की। बापू के टेंशन ले, तू टेंशन बता के लेनी, मैं वही लम्बा केले खा के। अरे टेंशन तो मुझे कोमल की हो रही है, कितनी जिद्दी छो रही है, ब्याह से अगले दिन घर आके बैठ गई। अरे बापू इसमें टेंशन की के बात है, अब आ गई सो आ गई, दो रोटी यू भी खा लेके रहेगी, अब से पहले ना खावे थी, ब्याह से पहले भी तो खा के रहती। अरे ब्याह से पहले की और बात होवे है, ब्याह के बाद में छोरी जो पीहर में रहे ना तो लोग तरह तरह की बात करें। पर बापू कोमल भी तो जीत पड़ी है, इसे भी पुलिस वाला खसम चाहिए। और बापू तू एक काम करना, किसी नेता वेता को रिश्वत दे के इसे बबलू को पुलिस में लगवा देना। मेरे धोरे कहाँ पैसे, सब लग गए कोमल के ब्याह में। तन्ने कौन सा फॉर्चूनर दे दी उसे, चार आदमी आए थे, हरड़ की दाल बनवा कर रोटी खवा दी छुट्टी। मका चुपचाप बैठ जा, बेइज्जती कर रहा है। बापू मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो ऐसा जी कर रहा बस केले खाऊं आराम से सो लूं। अभी सोई ना माँ? आ गया बेटा, आ गई बहू। अरे बहू कहाँ आ गई, मेरा जी खुशी आ गया इस बात का एहसान मान। क्यों, क्या होगा? उन्होंने तो ससुराल ने मेरी पिटाई कर दी थी, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ। बताओ कितने नीच रिश्तेदार मिल गए, लोग बात तो जमाई के पैर पूज जाए, इन्होंने पेट का भेद दिया, इन्हें शर्म ना आई। बेटा तू पुलिस में भर्ती क्यों नहीं होता? अरे मेरे हाथ में पुलिस में भर्ती होना, पहली सरकार में तो रिश्वत दे के और सिफारिश से भर्ती हो जाया करे थी, इस सरकार में तो ना रिश्वत चल रही ना सिफारिश हो रही, अपनी मेहनत से बच्चे भर्ती हो रहे। अब तुझे पता ही है मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, रिटर्न दिया तो हो गया फेल, अब फिर ट्राई मारूंगा, इस साल रहेगा तो अगले साल मारूंगा, अगले साल रहेगा तो अगले साल मारूंगा। बस तो बेटा, फिर तो कोमल 10 सालों भी नहीं आने की। अरे तू फिक्र मत ना मानने माँ, मैं किसी ना किसी तरीके से कोमल को लेकर आऊंगा, तू आराम कर, मैं भी फ्रेश व्रेश होकर आराम कर लूँ। बेटा मैंने रोटी बना के दे रखी, खा लिए, कभी भूखा ही सो जा। ठीक है माँ, खा लूँगा, तू सो जा। रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया। अरे ताऊ तेरे भीतर तो बहुत बीमारी है, ये तो तेरी गैल ही जाएंगी। मेरी गैल जाएंगी? अरे मेरी गैल जाएंगी कहाँ, नू तो बता। अरे ताऊ जब तू मरेगा तो तेरी गैल ही तो जाऊंगी। फिर तू कहीं का वैद है भाई है? अरे जो तू मुझे जिंदा नहीं रख सकता, ये भी तो मेरी उम्र 70 साल है, अरे कम से कम 50-60 साल तो और जीवा। अरे जवा दूंगा ताऊ, पर 2000 रुपए तने खर्च करने पड़ेंगे, फिर पता क्या होगा, तने एकदम कती घोड़ा बना दूंगा। घोड़ा? घोड़ा बना देगा? अरे घोड़ा तो तू बना देगा वैद जी, मैं रंड मलंग आदमी, घोड़ी कहां तेल अम्मा। अरे ताऊ घोड़ियों की दुनिया में कमी थोड़ी है, कितनी भी खरीद ले, पैसा फेंको तमाशा देखो। ठीक है भाई वैद जी, यू काम भी कर लेंगे और तेरी दवाई भी खा लेंगे। नू बता कोर्स कितने दिन का? कोर्स बस 6 महीने खानी पड़ेंगी। अरे वो वैद के बच्चे मारे तो रिसाले हो, कैसे बहका रहा? मैं तो इसे इलाज करवाने की सलाह दे रहा हूँ, और मेरी बात माने ना, तू भी अपना इलाज करवाई ले। मैं कहाँ का इलाज करवा लूँ, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। अरे तू फिट होता तो तेरी लुगाई थोड़ी बाजती। वैद जी ठीक कह रही है बेटा, अपना इलाज करवा ले। अरे तऊ मेरी बहू किसी बीमारी के कारण न भगी, और वो तो कुछ और कारण था। अच्छा यू वैद तो डोंडी पीटता फिरे पूरे गांव में कि बबलू में कमी है इसलिए उसकी बहू भाग गई। अरे वैद तू एक काम कर, खड़े होकर मेरी गैल चल तऊ के भुसवाड़े कोठे में, तुझे बताऊ मैं तेरा की इलाज करूंगा। भाई छोड़ दे, चल खड़े हो। अरे छोड़ दे भाई, फिर करेगा ना, ना, ना भाई आज पीछे तेरा कितना प्रचार नहीं करूं। बात सुन ले कान खोल के, अगर आज के बाद तन्ने मेरा और मेरी बहू का गांव में कहीं प्रचार करा तो तुझे जान से मार दूंगा। ना करूं भाई ना करूं। आज बच गया वैद, अगर यू तुझे कोठे में ले जाता तू तो दुनिया का इलाज करे, तेरा इलाज करने वाला कोई नहीं पाता। हाँ।
ताई राम राम। राम राम कालू। पंडित जी। अरे कालू, तू किसे लेकर आया हमारे घरू? ये कौन है बे रुपया सा? ताई, ये बहुत पहुँचे हुए पंडित जी हैं। घर की सारी समस्या दूर कर दे। मैं कहने का मतलब यू है, ये ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर? मैं कुछ समझी नहीं। अरे जैसा ग्रह कलेश, भूत प्रेत की बाधा, सास बहू का झगड़ा, किसी के फेरे गिरवाने हो, किसी के तुड़वाने हो, किसी का घर बसाना हो, किसी का उजाड़ना हो, सारे कामों में निपुण है ये पंडित जी। फिर मैं क्या करूँ इसका? अरे तेरे फायदे के लिए ही तो मैं पंडित जी को लेकर आया हूँ। मुझे इस तक क्या फायदा होगा? अरे तेरी जो बहू पियर में रुस्सी बैठी ना, उसे वापस मंगा देंगे ये पंडित जी। अच्छा, वो कैसे? उसे ये पंडित जी बताओगे। माता जी, तुम्हारी रुस्सी बहुत वापस आ जाएगी, पर 5100 रुपए लगेंगे, एक हमन करवाना पड़ेगा। पंडित जी, 51 से तो बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है? एक काम करियो, 100 रुपए कम दे दिए। बेटा, बबलू को आ जान दे, उससे पूछ के करोगे हमन। अरे ताई, बबलू तो के बुझ है, उसकी भलाई के लिए हुई तो गुरुजी हमन करेंगे। बबलू भैया। अरे माँ, के बतला रही कालू गेल? अरे कौन बैठे हमारे घर में तिलकधारी? बेटा, ये पोत पोछे पंडित जी है, और तेरी बहू घर में वापसी ला देंगे। अच्छा, ये पंडित जी हैं? बबलू भाई, पंडित जी एक हमन करेंगे और अगले दिन ही तेरी बहू घर। बबलू भैया। अच्छा, तो ये सारा ड्रामा तेरा है? बबलू भाई, तेरी भलाई के लिए ही तो लाया हूँ पंडित जी को, बस एक हमन करेंगे, 5100 रुपए की तो बात है। अरे तेरी जात का काड़ू मारू, साले इधर ढोंगी को लेके मेरी माँ को बेको बना रहा, मींस से पहले लिकट जाओ, नहीं तो दोनों का मार मार के भूत बना दूंगा। अरे माँ, तू भी कैसे कैसे ढोंगियों के चक्कर में आ जा, इन पे अपनी बहू तो रुकती नहीं, दूसरे की लाके दे देंगे। तू चिंता मत ना करे, मैं कोई रास्ता खोजूंगा, तेरी बहू तेरे घर आ जाएगी। अरे मेरे ससुर की तो 24 घंटे में 20 घंटे सुर्खी लगाओ जा, रोटी ना एक भी। मुझे भूख लग रही, खड़ी होकर रोटी बना दे। मैं ना बना रही रोटी वोटी, अभी मुझ पे टाइम ना है, पहले मैं 2 रील बनाऊंगी। चुपचाप रोटी बना दे, तेरे ससुर की अभी बना दूंगा तेरी रील, बंडी श्रीदेवी की चौधरी। सुबह सुबह तो मेरा दिमाग खराब करे मत, आज तो मैंने पहली बार वैसी जींस टॉप पहने हैं, इससे मेरे फॉलोवर बढ़ेंगे। रोटी बना रही है, लट लाऊं अभी, जब तक मैं कोलगेट करूँ ना, रोटी बन जानी चाहिए। रोटी ना बनी ना तो तेरे फ्लोर तो मैं बढ़ाऊंगा। चाली जाली दिखा रील बनाना, मैं बताऊं मैं। रे मेरे ससुरे की मेरे लिए रोटी तो बनाई नहीं, यार की क्या कर रही नैन मटक्का? मैं ना कोई नैन मटक्का कर रही थी, मैं तो रील बना रही थी। पप्पू साले, जिस दिन मुझे मिल गया ना, उस दिन तेरा मोर बना दूंगा। ओए सुन राजवीर, तू मेरा बाल भी नहीं पाड़ सकता। तू साले बाल पाड़ने की बात कर रहा, तुझे तो साले एक दिन गंजा कर दूंगा, जा चला जा। अरे क्यों चला जाऊं, तेरे बाप का बलोट है। रुक जा साले, मैं तेरा सिर फोड़ूंगा। ले तेरी बहन का सोल, ले ना लगी, ले बैंगन। सुनो जी, मत मारो मेरे पप्पू को। अच्छा, तुझे साली पप्पू की इतनी मेरा ही साली, मेरा पर तेरा फोन जरूर टूटेगा आज। हट साली, ना तो रहेगा बांस ना बजेगी बांसरी। ए युल, हाय ये क्या कर रहे हो? हाय मेरा फोन तोड़ दिया। साली अभी तो फोन तोड़ा, तुझे भी तोड़ूंगा। साले तेरी वजह से नया फोन फूट गया, तू चल भीतर। साली तुझे बताऊंगा, तेरी बहन का राजवीर मारू। चल मेरे ससुर की, तुझे मैं बनाऊंगा आशिक, तेरी बनाऊंगा रील में। चल अच्छा रे साले, इसका बदला तो मैं लूंगा, बताऊंगा तुझे। चल साली भीतर को, तू आराम की बच्ची, अपने यार ग्याल में रील बना रही, मैं बनाऊंगा तेरी रील।
बबलू बेटा चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। अरे माँ, मेरी तो जिंदगी ठंडी होगी, ये तो चाय है। आवेगी तो इस घर में कोमल ही, और कोई नहीं आवे। बबलू बेटा निराश ना होवे, कोमल नाती नांदा मेरी ससुरी को, दुनिया में छोरी खत्म होगी के, जब इतने नखरे कर रही, छोड़ दो से, दूसरी ले आऊंगे। बबलू बेटा ऐसे कब तक गुटगुट के जीतता रहेगा, मेरे से तेरी हालत खिन जाती। अरे सारी गलती कोमल की भी ना है माँ, गलती इसमें मेरी भी है, मैंने कोमल को यकीन दिवाया था मैं पुलिस में लग जाऊंगा, अल्लाह क्या मैं चपरासी भी ना। अरे बबलू भाई लग जाएगी नौकरी भी, अभी तो कौन सा बुड्ढा हो गया। अरे आजा मेरे कमीने दोस्त, तन्ने करवाया मेरा ब्याह, मैंने तुझे पहले कही तेरे भैया जब मेरी नौकरी लग जाएगी जब ब्याह करवाइये, अब बैठगी ना भूपीर में जाके, अब बता क्या करें। भाई मैंने तो ये इसलिए ब्याह करवाया था कि चाची को भी थोड़ा बहुत सुख मिल जाएगा। अरे लल्ला हमें तो मिल गया सुख, हमने तो खा ले बहू के हाथ के परामटे। चिंता मत ना करे चाची, मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगा, मैं कल ही जा रहा हूँ बबलू की ससुराल में। तेरी बातें ओ कोमल मेरी बहन, और तो तू मुझे गर्मा गर्म आलू के पराठे खवा दे बस। ठीक है भैया बना दूंगी। तो बनाओ ना बहन। अरे राजवीर। आजा बप्पू। तने मेरा फोन देखा? सबीर तो गेम खेल रहा था तू, कहीं ऐसा तो ना टॉयलेट वॉयलेट में धर के भूल गया हो तू। अरे मेरा मोबाइल खाट पे धरा था, मैं उठ के पेशाब करने गया, आके देखा था गायब मिला। बापू मैं समझ गया तेरा मोबाइल कहाँ गया है, तू 5 मिनट रुक, मैं 2 मिनट में अभी आया। अच्छा पिताजी मैं भैया के लिए आलू के पराठे बना लूं, तुम भी लोगे एक आध तक? तुझे पराठे की पड़ रही है या फोन ना मिलता, मुझे खवा दे आज के दुश्मन को। मेरी सुसरी लपना तेरा पूरा नहीं होने का सपना। मर गई री। अभी कहाँ मरी, अभी तो मारू हाँ। मुझे माफ कर दो जी, मुझसे गलती हो गई। तुझे माफ कर दूं? गलती होगी जी, मुझे माफ कर दो। गलती तो उस दिन हुई थी पहली बेर, अब का तो तन्ने गलता करा, तेरी हड्डियों का आज फ्लोर बना दूंगा। देख अपने आशिक को देख, तेरी रील बना रहा, यू आज बनी तेरी बढ़िया रील, यू सारा वायरल कर देगा। चल चली भी, चल चल चली, चल चली भी, माफ कर दो जी, आज के बाद कोई गलती नहीं करने की। बापू यू मिल गया तेरा फोन, देख पिताजी बचा लो मुझे। क्यों मार रहा तो बाबू को, यू बना दी यार की यार रील। अरे तो एक आते रील बना दी, कौन सी आफत आ गई, अंदर की रील बना दी। बापू रील का तो बहाना है, यू पड़े सुख ब्लैंक किस देरी तुम। ए लाली यू तो ये बात गलत है, यू लिपस्टिक के पैसे मेरे से लेके देवे तुझे, और तू किस देगा पड़ोसियों को। पिताजी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। भाभी क्यों घर की इज्जत खराब कर रही, ये तेरी अच्छी बात ना है। तो मुझे गांव मोहल्ले में मुंह दिखाला, छोड़ मत दीजो। मोसज राम राम। राम राम भैया। बापू चेले मेरा मतलब मेहमान आ गए। बैठ में शेर सिंह बैठ जा भाई, बड़ा चटोरा है। ओ सुना भाई शेर सिंह, घर परिवार सब ठीक ठाक? हाँ सब कुशल मंगल है मौसा जी। अरे ज्योति घर में केले आए, मेरा मतलब घर में मेहमान आया, जाकर चाय वाय बना ला। जाऊं हूं। मौसा जी तुम जिद क्यों कर रहे हो, भेज क्यों ना देते कोमल को। बेटा हमने तो कह भी कह ली, यू मानती नहीं किसी की। अब भी चलो ना अपने घर। मैं ना जाने की जब तक वो झुट्टा आदमी पुलिस में न लग जाता। यही बैठ कर सटका का सारे को, जब चावा बनवाता मेहमान आए।
बापू अदरक वाली लाऊं पुदीने वाली जा रहा ना जा रहा उठ के। मोसा जी बबलू पुलिस में भर्ती तो हो जाता, पेपर लीक होने की वजह से भर्ती 6 महीने पीछे हट गई। तो कोई बात ना बेटा, 6 महीने पीछे भेज देंगे, पहले गोना भी तो 2-2 साल में हो गए। देख लो मोसा जी, अगर बात बन जाती तो ठीक है, बबलू की माँ पे अब काम ना होता, बीमार रह बेचारी। चाहे कुछ भी हो जाइयो, मैं ना जाने की हूँ। बापू ले गर्मा गर्म चाय पी ज्योति के हाथों की। पिताजी आज इसने मेरी इतनी पिटाई करी, चाय तो बना दी पर मेरा सिर भारी हो रहा। अरे बहू तेरा सिर भारी तो होते रहे। शेर सिंह मेरी बहन जाओ या ना जाओ, पर तू 10-5 दिन में आ जाया कर, बड़े मीठे केले लाया, तू केले लिया कर बस। बताओ अब मैं बबलू को जाके के जवाब दूंगा। अरे बबलू तने तो घर का सारा काम भी सीख लिया। अरे भाभी न्यू बता, जब मेरी माँ बीमार है तो घर का काम मैं ना करूंगा तो और कौन करेगा? क्या होगा चाची दुलारी के? चाची दुलारी कैसा आराम फरमा रही तू? कहाँ आराम फरमा रही, 2-3 दिन हो गए बुखार आतू आतू, दवाई भी ले ली, आराम ना लग रहा। रे बबलू भैया बैठ जा। अरे चाची क्यों घबरा रही, हो जाएगा आराम। मैं तो ऐसा लगे तू बहू के भागने का ज्यादा ही दुख मान की दिखे। अरे भाभी तुम्हारे घर में बहू का जिक्र तो करे मत ना, तुझे बैठना तो बैठ देना, अपने घर को जा। अरे बबलू बेटा ऐसा ना बोला करते, जा अपनी भाभी के लिए एक कप चाय लिया। एक कप चाय मेरी खातर भी बना रही है बबलू। भगवान तेरा भला करे। आजा मेरे बिचौलिया, तेरी लियो तो मैं स्पेशल कॉफी बना के लाऊंगा, छिपकली के पाउडर वाली, जिसे पीतो ही तू स्वर्ग से धार जा, तन्ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शेर सिंह बेटा तू बबलू की ससुराल गया था, कुछ बात बनी? हाँ कल गया था चाची बबलू की ससुराल, लेकिन कोमल ने आने से बिल्कुल मना कर दी। हर बात तो यूं कह रही है कि बबलू जब तक पुलिस की नौकरी बना लग जाएगा बिल्कुल नहीं आऊंगी। बताओ कद बबलू की नौकरी लगेगी, कद बहू इस घर में आवेगी? अरे मैंने तो बहुत समझाया पर वो माननी नहीं, बिल्कुल जिद्दी घोड़ी की ढाल जिद पे अड़ी बैठी। बबलू जल्दी नौकरी पकड़ ले, नहीं तो वे अपनी लड़की का ब्याह कहीं और कर देंगे। ऐसा कैसे कर देंगे, 7 फेरे ले रखे मैंने उसकी गैल। तू 7 फेरों की बात कर रहा, आजकल तो लुगाई 7-7 बालकों को छोड़कर भागने लग रही। ओ बिचौलिए के बच्चे कान खोल के सुन ले, अगर कोई ऊंच नीच होगी तो तेरी पट्ठे खैर नहीं। अरे तो इसमें बिचौलिया क्या करे, बिचौलिया की गारंटी ब्याह तक की होवे, पूरी जिंदगी की ना होती। ए भगवान अब क्या होगा? चाची अब मेरे हाथ में ना आई हो बात, अब तो जो करेगा भगवान ही करेगा। बबलू जब तू बहू को लेन जा, उसके घर के तजा केक है। कहवे के वे तो मेरा मुंह देख तो चिढ़ जा, मुझे तो ऐसा लग रहा उन्हें मेरी सिकल ही पसंद ना दिखे। तो तू ना अपनी सिकल दिखावे क्यों है? सिकल तो दिखानी पड़ेगी बाप भी, और के मुंह पे काला पेंट कर लूं। देख मेरे द्वारा एक ऐसा फार्मूला है जिससे कि तू बिना सिकल दिखाए अपनी बहू को घरों ले आवेगा। अच्छा भाभी बता के फार्मूला। आ कान करू रेखू। यू आइडिया तने बढ़िया बताया भाभी, अब मैं ऐसा ही काम करूंगा। ओहो आ गया मुर्गा आ गया। अब वैद्य जी कहाँ जा रहे हो? अरे दवाई देने जा रहा हूँ सरजू की भूख को। वैद्य जी जहाँ तुम्हें जाना वहाँ बाद में जाइयो, पहले तुम मेरे 2000 रुपए दे। मेरे न हुआ थारी दवाई होता बिल्कुल भी आराम। अभी 1 ही महीने तो खाई है दवाई, 6 महीने खानी पड़ेगी जब जाके ठीक होगा। अरे वैद्य जी ठीक के मैं घंटा हूँ, 1 महीने दवाई खाएगा कुछ तो असर होता, मैं तो जैसा पहले था ऐसा ही अबू। भाई तेरी बीमारी कई साल पुरानी है, जब तक पूरा इलाज नहीं करवाओगा ठीक ना होने का। और दवाई खाने को पैसे ना मेरे पे। भाई एक काम कर, यो साइकिल मेरे को दे दे, 1 महीने की दवाई और दे दूंगा, और अगले महीने कुछ और कुछ बेचने का जुगाड़ बनाए पाइए।
एक बात सुन वैद जी, जो आराम ना हुआ ना तो अपने रुपए और साइकिल उल्टी ले लूँगा। ठीक है तो भाई, अभी दे देता हूँ तेरे को दवाई। एक काम करियो, एक पुड़िया सुबह एक पुड़िया शाम को दूध से लेनी है। ठीक है? ठीक है जी। ठीक है तो मैं चलूं। अरे रुक रुक, कहाँ चले, साइकिल तो दे जा। साइकिल तो तू ले ले, पर 6 महीने में ठीक ना हुआ ना तू तो मेरी साइकिल ले रहा, मैं पता ना तेरा किक्के ले लूँगा। ठीक है चलिया। मेरी चंद्रमुखी, तू क्यों हो रही है दुखी? मुझसे बात करने की जरूरत ना है। क्यों, क्या बात होगी? एक कप चाय पिया दे, और तो कुछ पियावे नहीं। जा, मैं नहीं बनाती चाय। तूने मेरी रील बनानी तो बंद करवा दी, अब देख मैं तेरा क्या क्या बंद करती हूँ। मेरी सुसरी, तुझे चौराहे पे पड़ोसी गया रील बनानी जरूरी थी? तुझे रील बनानी थी तो घर में मेरी गल बनाती, तू मेरी रील बनाती तो मैं तेरी रील बनाता। कैसे बनाती? फोन तो तुमने ले लिया। और तू मेरा फोन ले ले। मुझे ना चाहिए तेरा फोन, मुझे तो नया फोन ला के दे। अरे कहां से ला के देऊं, मेरे पे के पैसे धरे। चाहे किस्तों पे ला के दो, मुझे तो नया फोन चाहिए। जब मैं हिला तो करता नहीं, वे किस्तों वाले मेरे भाड़ा के ना खड़े रह देंगे हर महीने। मुझे नहीं पता, मुझे फोन चाहिए तो चाहिए। अच्छा, मेरी सुसरी तेरा रील वाला बहुत उतरा नहीं, अभी तेरा बहुत ही रील का तारना ही पड़ेगा। तू ऐसा अब मान नहीं, तू रुक मैं भी तैयार होकर आ रहा हूँ, आज तेरा बहुत तार दुआई रील वाला। वो भी क्या दिन थे जब मैं पप्पू के साथ रील बनाए करूँ थी। खड़ियो, चल मेरे ससुर की आज पिए बतम्मा, चल मरो क्यों अपने यार से तो मिल ले। बुला बुला अपने यार को, यहाँ बुला। बुनाने का है। बुनाने का? ले, उसे बुलाने का ऐसा कर, मैं करवाऊँ। इसे इशारा कर, बुला। आजा 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 आजा। अरे नहीं, आजा घूम कर। बुला इस यार को, तुझे बुला रहा जा। राजवीर, तेरी बहू की गलता मजा मैं लेऊंगा। अरे आ गई मेरी जान, तू आ तो गई पर वर छोड़, बस प्यार शुरू करेंगे। प्यार नहीं कर सकती। प्यार नहीं कर सकती? मैं तो आज इतना प्यार करूंगा कि लैला ने मजनू से भी नहीं किया। ले तो कर, लिपस्टिक के पैसे खर्च करूं मैं, इसकी लिपस्टिक खा जा तू, आज तेरी सारी लिपस्टिक काट दूं जितनी तन्ने की खाई। ओए, सारी गलती मेरी ना, इसकी भी है। इसकी क्या गलती है? अरे सोहनी इतनी है, और भाई मैं ना छेड़ू ऐसे तो कोई और छेड़ेगा। छेड़, तू छेड़ के दिखाई से ले तो तेरी है इसकी। अरे छोड़ दो ना मेरे पापा को, अरे छोड़ दो ना भगवान। अरे सर मेरी गलती के, अरे तू ना देखेगा तो मैं देखता हूँ। अरे छोड़ दो ना मेरे पप्पू को, अरे छोड़ दो ना मेरे पप्पू को, मेरे पप्पू को छोड़ दो ना, अरे छोड़ दो ना मेरे पप्पू को, अरे छोड़ दो ना मेरे पप्पू को, अरे छोड़ दो। मेरी सुसरी न्यू करी, छोड़ दे मेरे पप्पू को। साले अगर आज ते पीछे तन्ने इसकी रील बनाई ना तो तेरी रील बना दूंगा, जा भाग जा। आज के बाद नहीं बनाऊं भाई, जा चला जा। ओए मेरी सुसरी करवा दी ना बेइज्जती, तू आज साली घर को चल, तेरा थोपड़ा बिगाड़ मैं। चल तू आ विदेश ससुरे के, तन्ने तो खून पी लिया। चल पिताजी तुम चल गए नहा लो, गर्म पानी हो गया। मेरा मूड ना नहाने का। क्यों पिताजी? तेरी टेंशन में मेरा खाना पीना सब छूटगा। पिताजी तुम्हें क्या टेंशन दे दी मैंने? सारी टेंशन तू दे रही है, हमने तेरा ब्याह कर दिया, तुझे रहना चाहिए ससुराल में, तू रह रही है पियर में, ना उसकी पुलिस में नौकरी लगेगी है, ना वो आएगा ना तू जाएगी। पिताजी तुम्हें तो पता ही है मैं जिद की कितनी पक्की हूँ, जब तक बबलू पुलिस में ना लग जाएगा तब तक नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बबलू भैया तेरी डूब की नैया। कोमल, कोमल कौन है तू? कोमल कोमल कर रही, मेरी पहचान ने मैं नाई,
कौन है कोमल? रे बबलू भैया। कोमल मेरे साथ चल। कोमल मैं हूँ। अरे कौन है तू? महाराज कोमल को आने जा रही पकड़ के। कौन है तू? पहचानने में आई? रे बबलू भैया। पिताजी यू तो बबलू है। ए? अरे बबलू के बच्चे, तुझे बुरका पहन के आने की जरूरत थी? बुरका पहनने की जरूरत थी तुझे? भाई बुरका पहन के आने की जरूरत इसलिए थी जब तुम्हें मेरी शक्ल ही पसंद नहीं है। कोमल चल अपने घर को चल। जब मैंने तेरे से 50 बार कह ली कि जब तक तू पुलिस में ना लग जाएगा मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। अरे कोमल तू मुझे पुलिस में भर्ती करवाने की जिद छोड़ दे। पुलिस में भर्ती हो के ना मैं कहीं चाइना पे चढ़ाई कर दूंगा, कहीं गुंडों की मुठभेड़ में मेरे गोली लग जाएगी, तू विधवा हो जाएगी। यू बात तो कोमल पाऊना ठीक ही कह रहा, कहीं गुंडों की मुठभेड़ में इसकी गोली पोड़ी लग गई ना तो कहीं फैला ही पाओगा और फिर तुझे चूड़ी फोड़नी पड़ेगी और फिर मैं लगेरा खोल लाऊंगा। ओए चुप हो जा। कोमल चल घर को चले। कोमल हाथ जोड़वा ले यार चल, माँ परेशान हो रही, गांव में हमारी बेइज्जती हो रही है, सारे गांव में ये रुक्का मच रहा, बबलू का कुछ कमी है, बबलू की बहू भाग गई, घनी बेइज्जती हो रही मेरी गांव में, ऐसा ना करे चल, माँ भी बहुत परेशान है। मैं तेरा आगे हाथ जोड़ू कोमल, ऐसा ना करे चल, ले मैं तेरे पैर पकड़ू। अब तो चल, हाथ भी जोड़ लिए पैर भी पकड़ लिए, हाथ भी जोड़ लिए पैर भी पकड़ लिए, फिर भी ना चलेगी, चल तो तू अपनी बहन मार। अरे मैंने मैया मैं तो मर गई। अरे राजवीर मैं थोड़ी मार दी, मार लग साले। बापू मैं लेडीजों का हाथ नहीं उठाता। अरे हराम को लेडीज ना आयो खा गड़े हो तो देख बापू मेरा भी कमाल। पकड़ गेट बंद कर, लगे गेट बंद कर, चल साले आज तू नहीं बचेगा। अरे हटा ले इन हाथों को, ना तेरे गोली लगी, इतने थप्पड़ तो मेरे डेली लगे। चलिए भाभी कदी बबलू को ज्यादा मार दिया हो। चल तो बप्पू आजा, बप्पू आजा, मार साले का पकड़ लिया मन्ने, मार साले को और मार, मार साले का खोपड़ा फोड़ दिया। अरे छोड़ दो मत मारो, अरे छोड़ दो ना बेचारे को, जान से मारोगे क्या? अरे छोड़ दो, बस भी करो। पिताजी अब छोड़ दो, बहुत होली बबलू की पिटाई। छोड़ दो राजवीर छोड़ दो। कोमल आज तन्ना बचा लिया आयो, अनि साले को जान तो मार देता समय। दे चला जाए इससे, और आज के बाद घर में को आमद जाइए, हमारा क्या छोरी को मारे। रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया, रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया। कोमल तू भीतर रह कर, इधर बेरुपया पता ना किस भेष में आ जावे। ज्योति तू भी भीतर रहकर, कदी इसके चक्कर में तुझे ठाक ले जा, मेरा भी काम खराब हो जा। पिताजी कोमल को भेज क्यों ना देते उसकी ससुराल, तुमने भी बेकार की आफत ले रखी है। मैं ना जाऊंगी पिताजी तब तक जब तक बबलू पुलिस में ना लग जाएगा। चलो भीतर चलो। कोमल 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 बबलू बेटा, कोमल बबलू कोमल। अरे तू सपने में के बड़बड़ा रहा कोमल कोमल? माँ कोमल मेरे सपने में आ रही थी। सपने में आई थी, वहां ने कुके बोल रही? माँ वो मेरे से कुछ कहना चाह रही थी पर बीच में उसका खुसड़ बापू आ गया। बेटा वह ऐसा ना आने की, उसके लिए तो पंचायत करनी पड़ेगी। ना माँ पंचायत नहीं करने के, घनी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी तो गांव में पहले ही मजाक हो रही। मजाक तो वह बना गई मारी। चलो मैं एक बार और देख लूंगा जाके, अगर आवेगी तो। बेटा अगर तू पुलिस में नौकरी लगे बिना अपनी ससुराल में चला गया तो वे फिर पीट के भगा देंगे। हाँ माँ ये बात तो है पर कोई ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। चलो लगाऊंगा कोई आइडिया। अच्छा माँ तने गांव में घूम का हूं। ए भगवान मेरा किल्ला छोरा बहू के बिना वीरान हो रहा। ए गांव वालों ताले मेरे आगे बोलना जियो, गोली मार दूंगा एक के। ताले पता नहीं के हम के। अरे वैद्य के बच्चे रुक यही।
अरे तन्ने में लूट लिया, तन्ने मुझे गलत दवाई दी। अरे कालू भाई, आज तो तन्ने दारू पी रखी है। हाँ पी रखी है, तेरे बाप के पैसों की पी है। अरे अपने पैसों की पी है, तू धार ले। ओए तमीज से बोलियो, बाप तक ना चले जियो। अच्छा तू मुझे तमीज सिखाओगा? तेरी वैदगिरी 2 मिनट में झाड़ दूंगा, और ना तो जितने मिनट रुपए दे रखे है ना तुझे, सारे दे दे तू मुझे अभी। क्यों दे दूं वापिस, दवाई ना दे रखी है। सारे मुझे पता चल गया तू खेतों में से घास फूस काट के लावे और उसे जड़ी बूटी बताकर लोगों को कुल्लू बनावे। अरे भाई जिन्ने तू घास फूस बता रहा है उन्हीं जड़ी बूटी से दवाई बने हैं। ओ वैद्य के बच्चे, तू सारे गाँव का इलाज करता फिरे, आज तेरा इलाज मैं करूँगा। चुपचाप मेरी साइकिल छोड़ और मेरे 2000 रुपए काट, और ना तो तेरे सिर के टुकड़े कर दूंगा आज। ओ भाई मारिए मन्ना, अभी दे रहा हूँ पैसे। दे जल्दी, तावड़े कर। ले पकड़ अपने 2000 रुपए। पूरे है ना? हाँ पूरे है। ले यो पकड़ अपनी खटारा साइकिल। ओए वैद्य के बच्चे रुकिए, तू मेरी हीरो होंडा को खटारा बता रहा? तुझे मैं भी बताऊं के कह रहा था तू? अरे अरे कालू, अरे मर जाऊंगा छोड़ दे। अब बोल। अरे छोड़ दे, अरे मर जाऊंगा छोड़। अरे क्यों लड़ रहे हो? अरे छोड़ छोड़ दो, क्यों लड़ रहे हो? भाई हम लड़े या भिड़े एक दूसरे का सिर फोड़े, तुझे क्या मतलब है? अरे ओ कालू के बच्चे, चुपचाप अपने घर को चला जा, नहीं तो रेपटे मार मार के मुंह लाल बना दूंगा। बबलू भाई, मने इस बेवड़े से बचा ले। चला बेवड़े, चल चल अपने घर को। अच्छा अच्छा, तू मुझे मारेगा? मेरे ऊपर मर्दानगी दिखाओगा? तेरे पर तेरी बहू एक रात नहीं रोगी। तू मुझे मार रहा? अरे बबलू भाई, अपना इलाज करवा ले, तेरी घरवाली उल्टी आ जाएगी। अरे भाई हम तो परेशान हो गए, वैद जी मेरी घरवाली किसी बीमारी से मेरे कारण रुक रही है, वो तो अपनी जीत बैठ रही है, जानबूझ के ना आ रही। अच्छा जानबूझ के नहीं आ रही, एक काम कर बबलू भाई। अरे तो उसने उठा के लिया है? के मतलब? मतलब ये जो कर रावण सीता माता को उठा के ले गया था, तो अपनी सगी बहू को भी उठा के नहीं ला सकता? ए भाई वैद जी, यू तुमने बढ़िया आइडिया दिया, अब मैं यू ही काम करूंगा। हाँ अब देख तू, बबलू तो गयो, अब तुझे कौन बचाओगा? अरे भाई रुक जा वैद्य के बच्चे, आज तेरा इलाज मैं करूंगा। तब नहा लिए पिताजी? नहा लिया, आज 3 दिन में नहाया हूं मैं आज। बप्पू सटल बापू जिंदे कोई आवारा नहीं, घूमो जा, हिल्ला मत कर लिए कुछ भी। किसके टक्कर मारूं, जब मेरी किस्मत में काम नहीं। बापू कर लूंगा काम भी, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई। बापू इसे तो तुम्हारी पेंशन दिखाई दे रही है। पिताजी लो चाय। लो चाय, चाय पिया के मेरा काल जा फूंक दो, न्यूला का दी एक गिलास दूध पिया दो। बापू 200 रुपए दे दे। हाँ अभी तो दूध पीता बालक है, तो उस दिन तो 200 रुपए दिए थे। अरे तुम लिपस्टिक लगाओ या खाओ। पिताजी अभी मेरी लिपस्टिक खत्म ना हुई, रखी है। फिर क्यों मांग रहा 200 रुपया? ना बापू, आज लिपस्टिक ना लानी, आज तो मेरे पेट में दर्द हो रहा, दवाई लम्मा। मैं बना पैसे वैसे, खड़ा को लेटर में जा पेट साफ कर ले। ठीक है बापू, जा रहा हूँ। चल जा जा, चला जा जल्दी। पिताजी सुबेरी से बम के गोले छोड़ रहा है। ज्योति बोल लो पिताजी। जा तो रोटी बनाने में लिए, भूख लग रही है। ठीक है पिताजी। भगवान ने एक औलाद दी है, यू भी सुधर ढंग का ना दिया। साधु को दान करो बच्चा। बेटा दिखा गेट में भिखारी आया, कोई आटा दिया थोड़ा सा। बापू मैं तो लेट में हूँ, प्रेशर बहुत तेज है। ज्योति गेट देगी आटा। पिताजी मेरे तो आटे में हाथ हो रहे, कोमल दी आएगी। जा कोमल तू दिया, और आटा छोड़ ले, ये 10 रुपए दिया। पिताजी तुम भी ऐसी करते रहो, मैं अपने आप दियाऊंगी, तुम भी कंजूसी दिखाते रहो। रे बबलू भैया भिक्षा दे।
साधु को दान करो बच्चा, तुम्हारे घर में खुशियाँ आएंगी, अनधन के भंडार भरेंगे, घर में खुशियाँ आएंगी, घर के कलेश मिटेंगे, भोले बाबा तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। लो महाराज भिक्षा। अरे हम ऐसे वैसे महाराज नहीं है बच्चा, हम 1,800 बाल ब्रह्मचारी हैं। आप हमें गेट के अंदर से भिक्षा मत दो बच्चा, बाहर आके दो। अरे बचाओ 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 बचाओ, मुझे बचाओ, ये ठोंगी बाबा मुझे उठा के ले जा रहे हैं, बचाओ। राजवीर, ओ राजवीर, अरे जल्दी बाहर निकल के, अरे कोवल खतरे में दिखे। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? तेरी बहन के भागन भी चैन दिन देते, क्या बता गई मैं। कोमल कहाँ गए? कोमल 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 कोमल, बचाओ 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 बचाओ। चिंटू कैसे रो रुका हो रहा? ढोंगी बाबा कोमल को उठा के लेगा। अरे ले लो साड़े को, ले लो, चलो जल्दी। अरे कोई बचाओ बचाओ बचाओ, अरे कोई पकड़ लिया, मारो मारो साले को, मारो। अरे मरिका, अरे मुझे मत मारो, मैं ढोंगी ना हूँ, मैं तो बबलू हूँ। अरे बबलू के बच्चे, हराम खोर रावणी बन गया बिल्कुल। तुझे शर्म ना आई, बाबा का भेष बना के आया, जा चला जा यहाँ से। जा चला जा से, जा जा चला जा जीजा, तेरे सिर में ईंट मार के फोड़ दूंगा। रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया, चल घर को, चल वो तुम भी अपने अपने घर जाओ। वैद्य जी राम राम। अरे राम राम काड़ू भाई, आजा बैठ, खाट पे बैठ। वैद्य जी, गांव में कुछ चर्चा चल रही है, तुम्हें कुछ खबर लगी? इस बात की भाई? बबलू की बहू भाग गई। अरे बावड़े, तने एक चर्चा और नहीं सुनी? अरे गांव में ये कह रहे हैं सब, अब तो बबलू की बहू भाग गई है, अब की बार नंबर काड़ू की बहू का है भागने का है। अरे वैद्य जी, जो ऐसा होगा तो गांव में बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी मेरी, तुम कोई उपाय बताओ, मेरी बहू को रुकवाओ। भाई इसका उपाय था, इलाज ही था, और वो तने बंद कर दिया, और ऊपर तो मेरी बेइज्जती और कर दी है। अब ना दूं तेरे को दवाई, अब तो भाग गई तेरी लुगाई। वैद्य जी तुम मेरे पास हाथ जुड़वा लो, वहां पकड़वा लो, तुम मुझे ऐसी दवाई दे दो, मुझे टार्जन बना दो। अरे टार्जन तो बना दूंगा बेटा, पर उसका है ना इलाज महंगा पड़ेगा तुझे, 20,000 कम से कम लग जाओगे। वैद्य जी यू मेरी घरवाली का एक मंगलसूत्र है, और सारे गहने तो मन्ने बेच खाए, बस यू बच रहा, तुम इसे ले लो और मुझे बढ़िया सी दवाई दे दो जो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। अरे कर दूंगा भाई इलाज, बढ़िया इलाज कर दूंगा, चाहे तू एक ब्याह और करवा लिए, वो भी कहीं नहीं जाने की। अपर भाई दवाई मिलेगी तुझे कल, क्योंकि बढ़िया देसी जड़ी बूटी लाऊंगा, भस्म बनानी पड़ेगी भस्म। ठीक है, कल आके दवाई ले जियो। ठीक है वैद्य जी, कल को आऊंगा, दवाई ले जाऊंगा, अब मैं चलू। ठीक है, राम 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 राम। जा बेटा तू भी के याद रखेगा। जय भोलेनाथ, जय हो भोले भंडारी, जय भोलेनाथ, जय हो प्रभु तेरी। हे भोले भंडारी, तने मेरा ब्याह तो करवा दिया, पर मेरी घरवाली तो एक रात रुक के चलेगी, अब उसे उल्टी तो बुलवा दो प्रभु। अरे मूर्ख इंसान, हैं? यू कौन बोल रहा? मैं बोल रहा हूँ भोला, मेरा मतलब भोलानाथ। हे प्रभु, मैं तो धन्य हो गया आपकी आवाज सुन के, अब जब बोल ही गए हो तो सामने भी आ जाओ प्रभु। तुम्हारे जैसे मूर्ख अज्ञानी को मैं दर्शन नहीं देता, तुम्हारी धर्मपत्री तुम्हें छोड़ के गई है, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। प्रभु मैं जिम्मेवार क्यों हूं? तुमने झूठ बोलकर शादी कर ली,
और औरत पे हाथ उठाते हो, वो तुम्हारे पास क्यों रुकेगी? प्रभु, मैं आज के बाद अपनी धर्मपत्नी पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। चाहो रोज मुझे पीट लो, पर मैं हाथ ना उठाऊं। पर तुम कैसे ही मेरी प्यारी सी कोमल को मेरे घरों उल्टी बुलवा दो प्रभु। तुमने किसी पंडित का घोर अपमान किया था, भूल गए क्या? हाँ बोले बाबा, एक बार मेरे से गलती में एक पंडित जी का अपमान हो गया था। तभी तो तुम्हारी घरवाली नहीं आ रही, यही पाप रुकावट डाल रहा है। प्रभु, कोई ऐसा उपाय बता दो जो मेरी घरवाली उल्टी घर आ जा। उसके बिना घर खाली खाली हो रहा जी, घर काट के खाने को आवे। प्रभु, अगर आप कहो तो मैं आपकी 41 दिन की अखंड जोत जला दूं। व्रत नहीं करने मूर्ख। और क्या करना प्रभु? और जोत भी नहीं जलानी है, तुम्हें किसी पंडित जी से अपने मुंह पे एक थप्पड़ लगवाना है और उन्हें दक्षिणा में 1100 रुपए देने हैं। अच्छा, मतलब एक थप्पड़ भी लगवाऊं अपने मुंह पे और उसे 1100 रुपए भी दूं? दिल करे तो ये उपाय कर लेना। अब मैं चलता हूँ, इतना समय नहीं है मेरे पास, मुझे दुनिया में और भी भक्तों के दुख दूर करने हैं। अब आंखें बंद करके 5 बार मेरा नाम जप और 9 2 11 हो जा। चलो ठीक है प्रभु, जैसा आपका आदेश। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। अरे पंडित जी, रुक रुक रुक, तू तो वही पंडित जी है ना जिसका ब्याह में मैंने अपमान कर दिया था? हाँ तो वही हूँ, आज फिर करेगा मेरा अपमान? रे नहीं पंडित जी, मैं तेरा अपमान क्यों करूंगा? मैं तो दुनिया में आज के बाद किसी भी पंडित का अपमान ना करूं। तू एक काम कर, मेरे मुंह पे एक थप्पड़ मार। मैं को मारूं तेरे मुंह पे थप्पड़? अरे पंडित जी, मैं तुझे 1100 रुपए दूंगा। ये तो बैठ गया है जुगाड़। नहीं भाई, मैं नहीं मारूं तेरा थप्पड़, मैं तो आज लो किसी के भी नहीं मारा थप्पड़। अरे यार, तुझे 1100 रुपए बुरे लग रहे? ले 1100 रुपए ले, अरे एक थप्पड़ मार और मौज ले। ले। इसमें तो 100 रुपए कम है। 100 रुपए खुले ना है तो बंदे दे दे। अरे यार ले, 500 रुपए ले, तू तू भी याद रखेगा। अब मार थप्पड़। चलो कोई नहीं, पाप तो धोई गए, आज के बाद नहीं करूंगी। बोला राम की बेइज्जती करना इतना आसान नहीं है। 1500 रुपए भी लिए और एक थप्पड़ भी मारा। अरे वो बिचौलिया के बच्चे, तू तो यहाँ आराम से गोबर हटाता रहिए, और वहां गांव में मेरी बेइज्जती हो रही, सारे गांव में रोड़ा मच रहा, बबलू की बहू भागी, बबलू की बहू भागी। यार इसका तो निवारण कुछ करेगा क्या? नहीं रे भैया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जब तेरी घरवाली जीत बैठ गई तो बता इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तू तो बहुत कुछ कर सके। बकवास कर रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तू जाने तेरी घरवाली जाने। अच्छा बेटे, 1 सोने की गुट्ठी ले ली, 1 कम्बल ले लिया, 1 जोड़ी कपड़े ले लिए, और अब न्यू कह रहा मैं कुछ नहीं कर सकता। लो सामान उल्टा दे। भाई बिचौलिया, कोई सामान वापस नहीं करता। अब तेरा केस गया 6 महीने पीछे, अब तू आराम कर। अरे आराम तो जब भी करूं, जब यू गांव मुझे आराम करने दे। जिस भी गली में को जाऊं सब मेरी खिल्ली उड़ावे। अरे बबलू तेरी बहू की भाग गई, अरे बबलू तेरी बहू की भाग गई। अब मैं किसे किसे सफाई देता फिरूं? अगर कोमल आ जा तो इस समस्या का समाधान हो जा, मेरी इज्जत बच जा। अरे कोमल नहीं आती तो उसे तलाक दे दे, तेरा दूसरा ब्याह करवा दूंगा। मेरी एक स्टोरी तो पूरी हुई ना, तू नई कहानी और बना दे, मुझे कोर्ट कचहरी और घुमा दे। भाई अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरा तो भगवान ही मालिक है। बस भगवान के मालिक है ना, मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा ना कोमल आवेगी, मुझे तो रंडवा ही रहना पड़ता दिखे। रे रंडवा क्यों रहेगा, तू पुलिस बन जाना। अरे कैसे पुलिस बन जाओ, मेरे हाथ में आके पुलिस बनना। रे असली ना सही तो नकली बन जा। यू आइडिया तने बहुत बढ़िया दिया, अब मैं नकली पुलिस ही बन के जाऊंगा और कोमल को लेकर आऊंगा। वाह मेरे यार, क्या आइडिया दिया। अरे ध्यान रखियो, कभी नकली पुलिस के चक्कर में असली पुलिस वाले पकड़ ले और जमानत करने भी मुझे जाना पड़े।
एक चाय पी लेता हूँ, थकान सी उतर जाएगी। अरे एक कप चाय लाना भाई। हाँ जी सर। अरे तुम यहाँ कैसे? सर ये छोटा सा ढाबा आपका ही है। अरे मेरा क्यों होता भाई, तुम्हारा है? सर आपने तो सलाह दी थी उस दिन, तो हमने बैंक से लोन लेके ये ढाबा बनाया और दो रोटी इज्जत की खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, यू तुमने बढ़िया करा। अगर सभी लोग इतने समझदार हो जाएं तो सब के हिले चल जाएं, चोरी चकारी करने की जरूरत ही नहीं। एक कप चाय ला दो। सर कुल्हड़ की चाय मंगवा दूं? अरे वाह वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा, ले आओ। मुरली एक कुल्हड़ वाली चाय लाना सर के लिए। अरे भाई साहब, आप पुलिस में हो? हाँ भाई, आज ही ताजी ताजी ज्वाइनिंग हुई है। रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया, रे बबलू भैया। वाह भाई चाय बढ़िया बनाई है, कितने पैसे हो गए चाय के? अरे सर हम आपसे पैसे लेंगे? हम तो आपको पैसे देंगे। क्यों, मुझे पैसे क्यों दोगे तुम? सर आपने दिए नहीं थे उस दिन 1000 रुपए, अब तो हम अच्छा कमाने लगे हैं। अरे छोड़ दो उस बात को। अरे नहीं सर, ये लीजिए। अरे नहीं नहीं, ले लीजिए सर। ले लो ना सर। चलो भाई जब तुम इतनी खुददारी कर रहे हो तो लाओ। ठीक है भाई, करो अपना काम धंधा। आते रहना सर, आपका ही ढाबा है। हाँ आते रहेंगे। राम राम सर। राम राम। राजवीर तू एक बात बता, यू जो कोमल अपना घर छोड़ के यहाँ पड़ी है, यू कब तक रह गया है ऐसे? बापू यू तो न्यू कह रही है कि जब तक बबलू पुलिस में नहीं लग जाता जब लो यहीं पड़ी रहूंगी। रे कौन मरे यू बेरूपिया सा, टीटी कर रहा है दरवाजे पे खड़ा होकर, जा कहीं और जाके भीख मांगिए। साले बेरूपिया बता रहा, बाहर आके देखता जीत जाया। तू साले ऐसे नहीं मानने। अरे वाह जिज्जा जी, तुम पुलिस की वर्दी में? हाँ दे दिया ना झटका। साले तन्ने बहुत पिटा मैं, अब हाथ लगा के दिखाई तू मेरे। अजी हम हाथ क्यों उठाओगे, अब हमें कोई जेल जाना। अरे वाह जिज्जा जी, तुमने तो मौज कर दी, केले भी और बर्फी भी है भी है, खाली लाया। चेक करके देख ले भाई। मैं तो वैसे मजाक कराओ, मित्र को चलवाओ। रे बबलू भैया। चलो भाई। रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया। बापू बापू देख मेरा पुलिस वाला जिज्जा आ गया। राजवीर, अरे मैं को सपना तो देख रहा हूं। बापू सपना नहीं है यू, यू देख मिठाई केड़े। अरे ज्योति कोमल जल्दी बाहर आओ। अरे देख के रहियो, पुलिस वाला जिज्जा आया, मिठाई लाया केड़े लाया, खूब खाओगे नमक लगा के। अरे वाह आप सच में पुलिस वाले बन गए। हाँ तेरे चक्कर में 3 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ी। पर बेटा उत्तर प्रदेश में तो रिश्वत देना लेना बिल्कुल बंद है। अरे ससुर जी तुम्हें ना पता यू वर्दी मैंने कैसे हासिल करी, तुम छोड़ दो इस बात को। अरे तुम दोनों ऐसे क्यों खड़ी हो, जिज्जा जी की सेवा में लग जाओ। अरे भाई मैं यहाँ सेवा करवाने आया, मैं तो कोमल को लेना आया, इसे जल्दी तैयार कर दो, मैं आज ही जाऊंगा। देख भाई लाला आज भेजे बिल्कुल भी, आज तो कोमल का जन्मदिन है। जन्मदिन वही मना लेगी? ना 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 ना, यू जन्मदिन मनाएगा यही, तुम्हारे साथ मना लीजिए। जीजा जी आज तो तुम यही रुको, कल को बापू ग्याल पूरे गांव में राउंड लगाई हो, गांव में कुछ मारे भी तो दबदबा होना चाहिए। क्यों बापू? ठीक कह रहा बेटा तू, अरे गांव में पता लगना चाहिए कि मेरा दामाद पुलिस में लग गया। नहीं जी मैं ना जाऊंगा गांव में घूमने। क्यों भाव खा रहे हो, जब पिताजी कह रहे हैं तो मान क्यों ना जाते? चलो भगवान ने तेरी सुनता ली,
ओ सुना लाला, हमारे समझन ठीक ठाक है? अजी माँ तो बस ऐसे ही उलाड़ू दबाव से रहे जी, क्योंकि काम करना पड़ेगा घर का। अगर कोमल चली जाएगी अभी तो उसे देख के खुश भी हो जाएगी और काम में भी हाथ बढ़ जाया करेगा। तुम भीतर खाट पर आराम करो, मैं अभी आया थोड़ी देर में। ठीक है जी, आप घर का काम देख लो, मैं आराम कर लूंगा। अगर आज यू कोमल चली जाती तो टेंशन फ्री हो जाता मैं, पर यू बुढ़ा मुझे कल को गांव में घुमाओगा। अगर जो मुझे किसी असली पुलिस ने देख लिया यार, वे तो मुझे पकड़ के ले जाएंगे, यू बुढ़ा मरवावेगा मुझे। रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया। भाई वाह वाह बेटा, सारी मिठाई तू ही खा जाएगा और हम के खाओगे? बप्पू बहुत दिन में मिले लड्डू और केले, कोई रिश्तेदार न लगता, खाली आज चले आवे। ला भाई यूटी बम मुझे दे और अपने जीजा की सेवा में लग जा। हाँ बप्पू, जीजा की सेवा तो करनी पड़ेगी, अब तो हमारे घर की पुलिस है। पिताजी तुम लड्डू खा रहे हो, तुम्हारी तो सुगर बढ़ रही है, लाओ मुझे दो डिब्बा। सुगर गई तेल लेने? बहुत दिन में लड्डू मिले, मैं तो खाऊंगा और पेट भर के खाऊंगा। लाओ पिताजी मुझे दो डिब्बा। तुम के मुझे खान दो, ले इसे तू ही खा लीजिए। भाभी एक आध लड्डू मेरे खातर भी छोड़ा है ना? हाँ एक लड्डू बच रहा। बताओ लड्डू लाया तो मेरा लोग, खागी मेरी भाभी। मैंने ना खाए सारे लड्डू, तेरे भाई और पिताजी ने खाए। दामादी चलो नाश्ता तैयार है। चलो जी। बैठो जी। और लाला बोर तो ना हो रहा है? ना जी बोर तो ना हो रहा। जी लग रहा है? हाँ जी। राजवीर अरे चाय पानी ला कुछ भाई। अरे बापू तू चाय पानी की बात कर रहा, मैं तो दूध लाया हूँ मलाई मार के। लो जीजा जी पियो और सुतो माल को। अरे वाह राजवीर, तने तो मौज कर दी। बेटा मौज तो शाम को होगी जब मटर पनीर बनेगा। अरे राजवीर मैं इतना डंगा कैसे खाऊंगा? मैं बताऊं जी खा के, ऐसे खाओ। अरे कमबख्त तेरे युगे कर दिया सारा डंगा चटकर का। ओ बापू जिज्जा ने गई थी खा के दिखा। जिज्जा तू कहता हो तो दूध पी के भी दिखा। दूध पीना तो मेरे पाव है भाई। ओ बेटा बबलू भीतर जाके राजवीर के कपड़े पहन ले, इस वर्दी में परेशान होगा। राजवीर चले जा पाहुणों के भीतर। आओ जी चलो। चलो भाई। हे भगवान बस अपनी कृपा नी बनाए रखिए। केक कटना, मुझे भूख लग रही है। अरे भूख तो मुझे भी लग रही है, तभी काट लेते, मैं क्या फावड़े चलाऊंगा इसमें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बोन हैप्पी बर्थडे टू। होए छोरी तेरे नैनो से लड़ गए नैन, हे छोरी तेरे नैनो से लड़ गए नैन, मैं
भी बेचैन, तू भी बेचैन, मैं भी बेचैन, तू भी बेचैन, लग ना जा कहीं मारे मिलने पे बैन, लग ना जा कहीं पड़ जाए समय। जाए मुंह को धोके और ज्योति के साथ खाना लगवा दे। जल्दी एक यही पड़ा रहेगा। कोमल बेटी तू भी बैठ गई, तू साफ करवा ले इससे। आप इधर आ जाओ ससुर जी। बेटा अब खाना खा के जल्दी सो जाइए, सबे लोग जल्दी उठ के तुझे पूरे गांव में घुमा कर लाऊंगा। यू बुढ़ा मेरी पोल खुलवा के ही मानेगा। दामाजी कैसे चल लगे? हाँ चलेंगे, चलूंगा मैं तुम्हारे साथ गांव में। खाना आ गया, खाना खाओ। रे बबलू भैया, आप खाओ। वाजी वाह, खाना बहुत अच्छा बनाया। किसने बनाया? किसने बनाया होता, तुम्हारी कोमल ने बनाया। अरे के देख रहे हो, कुछ तारीफ मेरी भी तो करो। तन्ने के बनाया भाई? मन्ने भी तो प्याज काटती। अच्छा। चुपचाप रोटी खा ले, प्याज काटे तन्ने। वारे पनीर। कोमल तू भी तो खा। खा रही हूँ जी। कोमल अब तो खुश है ना, बबलू की पुलिस में भर्ती हो गई। हाँ भाभी मैं तो खुश हूँ। चल भाभी तू आराम कर, मैं पिताजी के लिए चाय बना लूँ। ठीक है। कल तो कोमल अपनी ससुराल चली जाएगी और मैं भी नस से चाय बनवा रही हूँ। एक काम करती हूँ, मैं खुद बना लेती हूँ। कोमल। हाँ भाभी। जा तू आराम कर ले, पिताजी को चाय मैं दे आऊंगी। ठीक है भाभी। नंदू जी ये क्या कर रहे हो? जी मैंने तो कोमल समझी थी। बबलू भैया एक मिनट रुक जाओ, पिताजी को चाय दिया हूँ, फिर भेजू कोमल को। ठीक है। पिताजी लो चाय पी लो। रख दे पी लूंगा, ठंडी हो जाएगी। बाद में पी लूंगा, रख दे। कोमल।
हाँ भाभी। सोगी थी? ना भाभी, मैं तो जाग रही। वो भी जाग रहा? कौन? तेरा बबलू। रे बबलू भैया। अरे जा, दिखा के आ जाओ सब अपना मुंह, बेचारे का जी सर राजी हो जाएगा। हाँ जी बताओ, क्या कहो थे? रे बबलू भैया। मैं नहीं कह रहा हूँ, तो मेरे दौरे सो जाना। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, सब जाग रहे। जब सब सो जाएंगे जब आ जाएगी? हाँ तब आ जाऊंगी। पक्का आ जाएगी? पक्का आ जाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। भाभी, भाभी। हाँ। इतने खराटे ले रहा, मेरे से सोए न जा रहा। तुम इस चारपाई पे आ जाओ, मैं इस चारपाई पे सोऊंगी। आ जा। यार अब तो इसके घर वाले सारे सो गए होंगे, फिर कोमल क्यों ना आई? कहीं ऐसा ना हो भी सो गई हो। एक काम करता हूँ, चुपके से जाके कोमल के धोरे सो जाता हूँ, यू आइडिया ठीक रहेगा। रे बबलू भैया। अभी तो यही था, पता नहीं चोर था या भूत था। अरे मन्ने तेरे से कितनी बार निकल गया, मेरे दरों से जाए कर। सोई तो थी एक दिन, तुम खराटे इतनी तेज लो। अरे बकवास मत करो, ये देखो चोर कहाँ है। रे बबलू भैया, तेरी डूब की नैया। बप्पू मिल गया चोर। यू चोर ना है, यू तो ज्योतिका वासी का जो फ्लाइंग किस लेकर है। यू सड़ा रियल में लेना आया। अच्छा तू भाला लठा के आज, भाला लेगा फटाफट, आज से जंगली सूअर बनाऊंगे, तू भाला लेगा। साले निकल रहा बाहर, कोई पिछुंडे मार लिया भाला। अरे रुक जा। रे बबलू भैया, तेरी डूब की नैया। अरे मैं चोर ना हूँ, मैं तो बबलू हूँ। अरे पहावड़े, तू क्या कर रहा ज्योति खाट के नीचे? अजी मैं पानी ढूंढ रहा था। अरे राजवीर तेरे पानी ना धरा इसके धोरे। बापू 20 लीटर का कैन भर के धर रखा मन ने, और वहां तेने गिलास तो ना धरा था। भाई राजवीर तेरे काम भी ऐसे रहे, जा एक काम कर, फटाफट गिलास तक काम आए। जा मेहमान, तेरी बचगी जान, अन्यथा तेरे पिछवाड़े में सुरंग हो जाती। रे खामखा नींद खराब करती, सो जाओ। ठीक है जी, गुड नाइट। कहाँ गई तू, मुझे छोड़ के मेरी रीवा। अरे सुनियो दामादी, यहाँ कौन रोवे? चलो पता करेंगे। अजी दुनिया में कोई रोवे कोई हंसे चलते क्यों ना हो। भैया गांव राम की बात है, पता लेना जरूरी है। चलो जी ले लो। मैं कैसे जीऊंगा तेरे बिना।
अरे मेरी रीमा, रहता हूँ आजा। अरे क्या बात होगी भाई? रहता हूँ, बैठ जा, मेरा नाम तो का। मुझे नहीं पता क्या बात होगी, दामा जी बैठो। अरे क्या होगा? रहता हूँ तो मैं बर्बाद होगा, मेरी रीमा चली गई। ओहो भाई, कहाँ चली गई तेरी रीमा? पता नहीं कौन लेगा था, मेरी रीमा चली गई, पता नहीं कौन लेगा। अरे बोल चाल किसी गल है इसकी? ताऊ बेचारी बड़ी सीधी, वो तो किसी से बोलने भी नहीं। अरे भाई बिना बातचीत करे कैसे जा सके थी, कहीं ना कहीं सेटिंग चली होगी उसकी। ठीक कह रहे ना बात जी, वो तो अभी भी आने वाली ही। आने वाली ही? अच्छा अच्छा, बालक न होने वाला होएगा। एक बात सुन, तू चिंता मत कर, इनसे मिल, ये है मेरे दामाद जी बबलू, ये करेंगे तेरी समस्या का समाधान, भाई इनका काम करवाओ। भाई तू मुझे उसका कुछ होलिया तो बता, ताकि ढूंढने में आसानी हो जाए हमें। होलिया की बात सुनो जी, ब्लैक एंड व्हाइट तो उसका रंग है, दो सींग है, एक लंबी पूछ है, चार थैने जी। अरे तेरी बहू चोरी हुई या भैंस? भैंस ही तो चोरी हुई है, उसी का तो नाम रीमा है। अरे तेरा नाश हो जा तेरा, मैं भी इतनी देर से सुन सुन के पागल हो लिया मकाले, पता ना इसकी बहू भगी, लोंडिया भगी, बहन भगी। हट मेरे यार, ससुरी तुम भी मुझे कहाँ ले आए, चलो इतने। अजी दरोगा जी, तुम नाराज क्यों हो रहे हो, मेरी एक रिपोर्ट लिखो। पैन नाज मेरे पे। अजी दामाद जी पैन ना तो क्या होगा, हमारे के थाने फोन कर दो, वो ढूंढ देंगे। तेरा किसी पे शक सुभा है? हाँ जी। नाम बता। अजी हमारे गांव में तो दो ही आदमी है जो सबकी भैंस कटिया चुरो है, एक तो है जी गिरदारी, एक उसका चिल्ला बिरजू, उन्होंने चुराई है मेरी रीमा। अजी दबा दे, कर दो फोन थाने में को। कर रहा हूँ मैं, सीधा कप्तान साहब को ही कर रहा हूँ। चिंता मत करिए जी सर, कप्तान साहब बोल रहे हैं। जैन सर, सर ये थाना सिंघावली गांव का मामला है, रमेश नाम का आदमी इसकी भैंस चुरा ली है सर किसी ने, और इसका शक है गांव के दो लड़कों पे, एक का नाम है गिरधारी और एक का नाम है बिरजू। सर 24 घंटे के अंदर अंदर ये दोनों चोर अरेस्ट होने चाहिए, सिंघावली थाने में थोड़ा दबाव बनाइए सर, ये मेरे ससुराल का मामला है सर, इन्हें अरेस्ट करवा दो सर। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है ससुर जी, कर दिया फोन कप्तान साहब को। चिंता बिल्कुल मत करिए, तेरी भैंस मिल जाएगी, चलो दामाद जी। चलो जी। ससुर जी तुम के मुजरा सा करने लगे गोली में? अरे बड़े खुशी की बात है, अरे पुलिस वाला दामाद मिला है। अजी आओ चलो, खम्मा का छिचोरे वाले काम कर रहे। अरे तुझा कहाँ ढूंढू, तेरी बहुत याद आवे। अरे भाई क्यों रो रहा भाई? अरे भाई क्यों रो रहा है? अरे भैया मेरी भैंस को गे, मुझे बड़ी याद आवे उसकी। भैया तुमने देखी के रमेश तेरी भैंस? राम राम जी। राम राम चेतन भाई। बलवान जी के क्राइम कर दिया जो तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जा रही? चेतन भाई यू मेरा दामाद है, अभी भर्ती हुआ पुलिस में। अरे वाह बलवान जी, थारी कोमल के तो भाग खुल गए, थारा दामाद सरकार की तो तनख्वाह ले गई, ऊपर के भी कमागा। नहीं जी मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मैं तो रिश्वत के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं तो जीवन में एक रुपए की भी रिश्वत नहीं लेने का। ड्रेस तो बहुत बढ़िया लग रही है आपकी, पर नेम प्लेट होती तो और बढ़िया लगती। वो नेम प्लेट की मैंने साई दे रखी है जी, बाहर से आवेगी बनके। हाँ बबलू बेटा, नेम प्लेट तो होनी चाहिए। आपका बैज नंबर क्या है जी? बैज नंबर कुछ बताया तो था जी, मैं भूल गया, अभी ज्वाइनिंग हुई है ना मेरी। चेतन जी अभी ताजा ताजा भर्ती हुआ भाई दामाद। चलो अभी ताजा हो, कल को बासी भी हो गए पुराने भी हो गए। अच्छा बलवान जी फिर मिलेंगे। अच्छा जी, राम राम जी। आओ दामाद जी आओ।
पिताजी की गाड़ी आ गई। क्या लोगे भाई? अरे भैया मुझे तो इस दूतू से दे दे, मैं अपना प्रचार कर लूँगा, मेरी भैंस को गिरी माँ ले जाओ भाई। हेलो हेलो भैया, सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है, मेरा नाम रमेश, गांव सिंघावली से। भैया मेरी कल भैंस चोरी होगी, किसी भाई को मिली हो तो बताने का कष्ट करे। जिसका हुलिया इस प्रकार है, उसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट है, 12 किलो दूध देती थी, एक लंबी पूंछ है, चार थन थे, किसी भाई को मिले तो बताने का कष्ट करे। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सारा नस होता रहेगा, पैक बना। अच्छा उस्ताद जी, अभी बनाया। चोखा सा गेरिया पानी। गुरुजी लो पैर दबा। अच्छा जी, उस्ताद जी मैं थारी इतनी सेवा करूं, और वह जो तुमने भैंस बेची थी उसमें तुमने मुझे दिए पैसे कम। अरे चले, इब के मैं ऐसा काम करूंगा, जो हमारे इस गांव सिंगावली का प्रधान है ना लल्लू प्रधान, उसका झोटा जो सा पूरे उत्तर प्रदेश में रेस में नंबर वन आवे, उसे चुराऊंगा और उसे बेचूंगा, इतने रुपये आऊंगे तुझे माला माल कर दूंगा। अच्छा दबा पाओ। अच्छा गुरु जी, अरे तुम यहाँ बैठे दारू पी रहे, वहां सारा मामला ही गड़बड़ हो लिया। आज अब खबरी लाल, अरे के खबर लाया भाई? तुमने जरा मैं इसकी भैंस चुराई थी ना, उसका सारे गांव में पता चल गया, बलवंत सिंह का जमाई ना पुलिस में है, तुम्हें गिरफ्तार करने घूम रहा। खबरी लाल तन्ने बहुत बढ़िया खबर दी, सजा भी इसका वो देंगे नाम। भाई दामाद जी, यू रमेश की भैंस वाला केस जो है ना, ये सोल्व होना चाहिए। इसकी भैंस वापस मिल गई ना तो गांव में मेरी छाती चौड़ी हो जाएगी। ससुर जी तुम एक काम करियो, रमेश से एक तहरीर सी लिखवा दियो और उसे चलती बेर मुझे दे दियो, 24 घंटे के भीतर भीतर गिरधारी और उसका चेला जेल की सलाखों के पीछे होंगे। भाई दामाद हो तो मेरे दामाद जैसा। चाचा राम राम। राम राम भाई गिरधारी, आ जा, तुम दोनों का जिक्र चला गुरु चेलो का। चाचा मारी जान बचा ले। चाचा हम जेल नहीं जाना चाहते। अरे कौन ले रहा तेरी जान और कौन तो जेल भेज रहा, मैं को समझा नहीं। थारा दामाद। मेरा दामाद क्यों? अजी जो गांव में रमेश की भैंस चोरी हुई ना, वह हमने करी। अच्छा तो तुम ही हो दोनों चोर जिसने रमेश की सीमा को सीमा के पार कर दिया। जो हो गया सो हो गया, हम तुम्हें 20,000 रुपए दे देंगे, तुम अपने दामाद को कह के इस केस को रफा दफा करवा दो। ओ भाई गिरधारी, मेरा दामाद बहुत कड़क है, यू तुम्हें माफ नहीं करेगा। अजी हम इनका मुंह बंद करने को 20,000 रुपए तो दे रहे। ओ भाई मैं बहुत ईमानदार पुलिस वाला हूँ, मैं रिश्वत के बहुत खिलाफ हूँ, और तुम मुझे रिश्वत दो ही क्यों भाई, तुम रमेश की भैंस ला के दे दो। अजी वो तो हमने बेच दी। किसे बेच दी? कसाई को। कसाई किसे उल्टी ला के दे दो। अजी कसाई तो उसे काट का खा गया। तो बेटे अब पुलिस थाने में पुलिस थारी दही काटेगी और जेल में तुम्हें मच्छर पाड़ेंगे। अजी तुम हमें दो एक दिन का टाइम तो दे दो। दो दिन का क्यों, जाओ तुम्हें 4 दिन का टाइम दिया। दामाद जी इन्हें इतना लंबा समय क्यों दे रहे हो, सोच ले। मैं सोच रहा था जी, अगर मैं इन्हें 4 दिन का टाइम दूंगा तो ये कहीं से पैसों दे लोग इंजाम करेंगे, फिर एक नई भैंस खरीद देंगे, जब तो रमेश को देंगे। क्यों भाई? बाबूजी तुम हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे, हमारी एक रिक्वेस्ट है, तुम कल को हमारी बुलाई हुई जगह पर आ जाइयो, हम थारी सेवा पानी करना चाहवे, तुम हमें अपना नंबर दे दो, हम तुम्हें करंट लोकेशन भेज देंगे। लाओ अपना फोन दो, मैं अपना नंबर टाइप कर देता हूँ। ले ले नंबर। लो जी, लो सेव कर लो, हवलदार बबलू सिंह के नाम से। अच्छा जी राम राम। राम राम जी। राम राम। हाँ।
उस्ताद, आया नहीं मुर्गा? आवेगा, जरूर आवेगा। इससे पहले ही पुलिस वाला हमारा काम बिगाड़े, हम इसका काम तमाम कर देंगे। महाराज, सुल्फे गंजे का काम खतरे में पड़ जाएगा उस्ताद, और जो हम जेल में चले गए फिर हम चोरी भी नहीं कर सकते। अरे तू घबरा कुरा, जो हमारे काम में टांग अड़ाओगा हम उसे मार के खेत में दाब देंगे। उस्ताद वो आगा। अरे इसे तो आना ही था। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। अरे भाई एक बात बताओ, तुम यहाँ कीकरियों के जंगल में मेरी क्या सेवा करोगे? सरकार हम तो जिसकी भी सेवा करे जंगल में ही करे, क्यों चल ले? हाँ उस्ताद। अच्छा भाई, थारा जंगल में सेवा करने का यू अंदाज मुझे बड़ा पसंद आया। अरे ओ पुलिसमैन, अपना मोबाइल निकाल और मेरे चेले को दे। हैं? यू की हरकत है भाई? ये सोच रहा काटे नहीं काटता, अक मारू गोली। दे रहा हूं। अरे तू मेरा मुंह को देख रहा, जाकर रस्सा को निलाता। रस्से का क्या करोगे भाई? चल भाई मोटरसाइकिल खड़ी कर, स्टैंड लगा, उतर इस पे, आएंगे पेड़ का लग जा, ढंग में लग जा, मका हलना जाइए। बस नुमान तेरी मुंडी हली और मेरी गोली चली, चले बांधता कुना। अच्छा उस्ताद ले। बंद की उस्ताद रस्सी, आज फंसी मछली जाल में। अरे भाई नू तो बताओ, तो मुझे मारना क्यों चाह रहे? आज ना मारे हम तुझे, आज तो मंगल है, मंगल को तो मुर्गा भी नहीं खाते। अच्छा तुम तो बहुत बड़े भगत हो भाई। अरे भले मानसो, डर के मारे मेरा गला सूख गया, मुझे कम से कम थोड़ा पानी तो पिया दो। चले जी उस्ताद। इसके लिए पानी लेकर आ। अभी लाया। भाई हवलदार साहब, पानी तो हम तय जरूर पियाओगे, पानी पियाना तो पुण्य का काम है। चाची राम राम, कैसे माथा से बांध के बैठी? बेटा मेरे सिर में आज बहुत दर्द हो रहा, मुझे आज बहुत टेंशन हो रही। बबलू को 2 दिन हो गए अपनी ससुराल में जाए हुए, कहीं पर फोन मिला लिया, उसने फोन नहीं उठाया। फोन तो मैंने भी कई बार मिला लिया पर उसने फोन उठाया नहीं, इसलिए राजी खुशी लेने में यहाँ आ गया। बेटा मेरे तो जीत ज्यादा घबरा रहा, मेरा बेटा जरूर खतरे में है, ससुराल वालों ने उसे कई बार पीट लिया, मुझे तो नहीं लगा अब कानून ने उसे जानती मार दिया। अरे चाची कैसी बात कर रही, मानस मारना कोई हंसी खेल थोड़ी है। अरे बेटा शेर सिंह, अगर तेरे टाइम हो तो मुझे बबलू की ससुराल लेकर चल। अरे चाची आ जाएगा 1-2 दिन में, तू कोई चिंता कर रही? अरे बेटा चिंता की बात तो है ही, मेरा एक लत छोरा शेर सिंह, बेटा मैं तेरा हाथ जोड़ू, मुझे बबलू की ससुराल लेकर चल। अरे चाची हाथ क्यों जोड़ रही, मैं भी तो तेरा बेटा ही हूँ, चल तैयार हो। मैं ना उतनी तैयार हूँ यार, मैं तो नहीं चलूंगी। नहीं चल रही तो चल फिर। पता नहीं बबलू कहाँ चला गया। पिताजी सारी गलती तुम्हारी है, तुम ही ले गए थे बबलू को गांव में घुमाने और अपना रोब जमवाने। जो लोग रिश्वत के 20,000 रुपए देने आए थे उन लोगों का पता निकालो वे कौन है। बेटा वे है तुम्हारे गांव के ही, जेल काट का है अभी, उनका धंधा अफीम का चस्का, असाले चोरी करती फिर। बबलू उनसे मिलने गया था, कहीं उन्होंने तो ना मार दिया? अरे बहुत शुभ शुभ बोल, जो बबलू कुछ होगा ना तो सारे जेल में चक्की पीसेंगे हम। बापू मैंने सारे खेत छान मारे पर जिस जगह कोई पता नहीं चला, मुझे तो ऐसा लगे साला तेंदुआ खा गया उसे। देख ले हरामखोर, जब मुंह खोलेगा ना तो उल्टा बोल लेगा। बापू कई आदमी पर अटैक कर लिया तेंदुए ने। भैया क्या तेने सारे खेतों में देख लिया? हाँ कोमल, मन्ना तो जिज्जा को एक के खेत में, बाजरे खेत में, सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिला जिज्जा। मुझे तो ऐसा लगा कोमल जिज्जा अपने घर चला गया दिखे। नहीं बबलू घर नहीं जा सकता,
बबलू बिना कबूल के लिए घर जाएगा ही नहीं। बापू बबलू की थाने में गुमशुदगी की FIR लिखवा दो और अखबार में उसका फोटो छपवा दो। ऐसे कुछ करना पड़ेगा। फिर कत करोगे, जो करना है जल्दी करो। बात तो बड़ी जल्दी हो रही है, अब तू पहले चली जाती तो इतनी देखना ना पड़ता। समझन राम राम, आओ बैठो। बैठना ही मैं, मुझे न बता दो मेरा बबलू बेटा है कहाँ। क्यों धन, साज बात आराम से करेंगे, आप बैठो सही। कई दिन से बबलू यहाँ पा रहा, कहाँ है वो जल्दी बता दो। आया तो था मुसी यहाँ, पर कल से उल्टा नहीं आया। सारा इलाका छान मारा पर जिज्जा का कोई पता नहीं चला। वो सजी यही बात तो चिंता की हो रही। अरे ज्योति, दो कप चाय बना ला तू। जी लाई। मुझे ना पीली चाय वाए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया ना तो सारे खानदान को जेल में पहुंचा दूंगी। चिल्ले। जी उस्ताद। हवलदार देख क्यूकर मुंडी लटका के सो रहा। हवलदार साहब, कैसे कटी रात? अरे मेरे भाई, तुम मुझे बांध के कहाँ चले गए थे? सारी रात मच्छरों ने मेरा खून पी लिया। अरे मेरे यार, अब तो मुझे खोल दो। इभी ना खोल ले हम तुझे, जो हमने तू खोल दिया तू हमें जेल में ना पूछा देगा। पर जेल में तो तू हमें जीवी पूछा होगा, जी हम तुझे जिंदा छोड़ने गए। अरे मेरे भाइयों, सारे दिमाग में गलतफहमी बैठ गई। मैं पुलिस वुलिस में ना हूं, मैं तो ये ड्रेस भी किससे एक दिन के लिए मांग के लाया हूँ। अरे तुम्हारा पागल पहले बना रहा था, अकी बना रहा है। अरे भाई मेरा विश्वास करो, तब मुझे एक बार खोल दो, मैं तुम्हें सारी कहानी सच सच बता दूंगा। चिल्ले खोल दे से। अरे उस्ताद, जो यू मैंने खोल दिया तो यू भाग न जागा। अरे भाग कहाँ से जागा, पिस्टल ना है मेरे दौरे, सारी गोली इसकी छत्ती में तार दूंगा। चल भाई, ये बता तू तेरा क्या ड्रामा है। भाई बात ऐसी है, यू था सारा ड्रामा। अच्छा तो या थी तेरी राम कहानी। सुन ले भाई मेरी बात, अगर तुम्हारे गांव का रिश्तेदार ना होता इब लोग काम तेज ठोक देते। जा इब हमने तेज आजाद कर दिया, ले जा अपनी बहू को, मेरा मतलब है बलवान सिंह की छोरी को, जाती हो तो ले जा। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। लो मेरा फोन तो दे दो। लो जी। उरे तेरी कोमल की 50 मिस कॉल। आवा चल सेरसिन, चल थाने चल रहे। इनके ऐसे बात समझ में आने की ना ये बोलने के, जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो अच्छे बोल रहे। समधन महाराज का नाश हो लिया, कोमल सुसवाल जाने को तैयार बैठी थी। मौसी हमने गांव गली खेत खलियान नदी नाले सब जगह ढूंढ लिए पर जिस जगह कोई पता नहीं चला। मेरा तो इकलौते था, कहां जाऊं मैं, क्या करूं? अब हम अपनी बहन का ब्याह किससे करेंगे? किसी से करने की जरूरत ना है, मैं जिंदा हूं अभी। अरे बेटा बबलू बेटा, तू ठीक है ना? और ये पुलिस की वर्दी। माँ पुलिस की वर्दी की बात छोड़, तू कहाँ चला गया था मेरे बच्चे? हम सब परेशान हो रहे, तू कहाँ चला गया था? बेटा तू चुप क्यों है, कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे जीजा क्यों तन्ने गुंगे का गुड़ खा लिया,
कुछ तो बता। माँ मेरा किडनैप हो गया था। किडनैप है? किडनैप हो गया था? किडनैप हो गया था? हाँ, किडनैप हो गया था पुलिस वाले का। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम पुलिस में हो भी या नहीं, सच सच बताओ। कोमल तू मेरी गल घरों चल, मैं तुझे सारी बात फुर्सत में बताऊंगा। पहले बैठ जा, माँ जी आप भी बैठ जाओ। तुम भी बैठ जाओ भाई, तुम्हें क्या लग सके नहीं पड़ेगी। अब जो भी कुछ बताना है ना, सबके सामने बता, सच सच बता, जब तक नहीं बताएगा कहीं नहीं जानेगी। भाई सच तो यू है, मैं पुलिस में नहीं हूँ, मैं तो यू वर्दी एक दिन के लिए किस्त मांग कर आया। धोखेबाज, मुझे ले जाने के लिए तो नकली पुलिस बन कर आएगी, तुझे शर्म नहीं आई? अरे क्यों आती शर्म, शर्म तुझे आओगी, शर्म आओगी तेरे घर वालों को जो रिश्ते निभाने के चक्कर में शर्त लगा रहे। तेरी कोशिश कर ली मैंने पुलिस में भर्ती होने की, नहीं हो पाया, नहीं था किस्मत में, के करूं। वो तो मेरी माँ की इच्छा थी पुलिस में लगवाने की, इस बार मैंने फॉर्म भर दिया था और इस वजह से शेर सिंह ने भी तुम्हें आश्वासन दे दिया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब माँ के ऊपर बात डाल रहे हो? अरे माँ पे ना डाल रहा, मेरी रुचि ना है पुलिस में लगने की, मेरी रुचि तो एक्टिंग में है। कई कंपनियों से ऑफर आ लिया मेरे द्वारा, सोनोटेक कंपनी में तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया। अब तुझे चलना है तो मेरी गैल चल, और ना चलना है तो तलाक ले। देखो जी, शादी ब्याह तो 7 जन्मों का बंधन होता है, भगवान जोड़ा बना के ऊपर से ही भेजता है, लोगों के कारोबार को लेकर रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए। अरे यूं ही बात तो इनकी समझ में ना आ रही, मैं बनना चाह रहा हूँ एक्टर, ये बनाना चाह रहे मुझे सिपाही, सिपाही बन के मैं कोठी खड़ी कर दूंगा। अब तो यूपी में वैसे भी रिश्वत बंद हो रही, नौकरी में गुजारे हो रहे। बेटा मैं तेरी साथ हूँ, तू हीरो ही बन, तू पुलिस पुलिस की नौकरी छोड़। बेटी कोमल, यू गस्त का जीवन है ना, यू प्यार से चला, व्यापार से चलता, पेट भरने के लिए इंसान कुछ तो करे ही है, यू भी कुछ करेगा। बेबे नौकरी और छोकरी किस्मत से मिले, अब तू मुझे ही देख ले, मैं बिल्कुल ठल्ली हूँ, बापू की गाड़ी सुन के जब लिपस्टिक के क्रीम के पैसे मिले, अरे मेरी बहू जब भी खुश है। कोमल तो छोड़ देना अपनी जिद, जो भाग्य में है वही मिलेगा। नहीं भाभी, मुझे नहीं जाना। चली जा। नहीं भाभी, मैं नहीं जानेगी। अरे तो पड़ी रह पिया, बहुत पिट लिया मैं तेरे चक्कर में, अब और न पिटने का हूं। अरे तुझे नू नहीं पता, पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होवे, तन्ने 7 दिन भी ना निभाया, यहाँ पियर माँ के पड़ गई, यहाँ जीत लेगी तू सील, हमारी माँ गांव में बेइज्जती हो रही, तो यहाँ हमारी इज्जत पर 4 चांद लगा रही, तुझे नू शर्म ना आई, मेरी माँ पहली बार थारे दरवाजे पर आई, तुमने इसका भी सम्मान नहीं करा। बात सुन ले, जहाँ मेरी माँ का सम्मान नहीं है ना, मैं थूकने पसंद नहीं करूंगा, तलाक के पेपर तैयार करवा दो, साइन कर दिया आगे। चल माँ अब ना रुके हम यहाँ 1 मिनट भी। बेटा मेरी बात तो सुन, मुझे कुछ बात नहीं सुनने किसी की, तुम्हें और पीटना तो और पीट लो, इसके सामने खाल तार दो मेरी, इसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जीजा जी चुप साले, इसे अपनी बहन को मैं धोरे रख, इसका ब्याह कर दियो किसी बड़े अफसर से। हाँ माँ। बेटा शेर सिंह, तेरा दोस्त तू समझा ले कुछ। अब ना सुनने का, वो उसने ठान ली तो ठान ली, बचपन का यार है वो मेरा, बचपन से जानू मैं उसे, अब इस तलाक को कोई नहीं रोक सकता। हाँ ये बात है। तू क्या सोच रहा, तू अकेला ही चला जाएगा? मैं भी चलूंगी तेरी गैल। तू मेरी गैल चलेगी? अरे आ जा तो बैठ जल्दी। देख बेटा आराम से जाइयो, और देखो बाइक आराम से चलाइयो, और कोमल जब तक फोन कर दिए। अरे ओ बेशर्मो, दोनों बापू बेटा शर्म बेच के खा गए। अब के बात होगी न्यू बताओ, और दिन तो तुम मुझे पीट के भगाए करो थे, और आज जब राज्य खुशी थारी लड़की मेरे साथ जा रही है तो तुम्हें न्यूना बनती, 10-10 रुपए मारे हाथ पे धर दो। ओ तेरी का, 10-10 क्यों, तुम 5-5 चलो। हाँ यू ही ना बात।
ले कोमल तू भी ले। ला मुझे दे दे, तू कहाँ धरेगी? मैं भी कहीं ना कहीं धरी लेती। चलो कोई बात ना, तुम ही धर लो। समझन आ जा। ए ले आ जा भाई शेर सिंह, तू भी 500 की बिताई ले, याद करेगा तू भी। अरे मारे ससुरे की तू के मुंह देख रही, तन्ने जब दो थैले कोमल के लिए तैयार करे थे उनका अचार गिरेगी, क्या जल्दी लेगा फटाफट। अभी लेके आ रही। अब तो कोई गिल्ला सिखवाना है? हाँ है। के है? घर चलो वहीं बताऊंगी। बेटी कोमल से एक बात बताऊं? लो। बहन बेटे का जो घर होवे ना उसकी ससुराल होवे। राजी राजी तू रोजा, यू तेरा घर है, पर लड़के कदी मत आ जाइए। हाँ राजी राजी में तो रोज आइए, पर लड़के इंगे गुना जाइए। अरे भैया बनाने की यू, अब तो किसी दिन मैं ही आऊंगा बेली लेके तुझे मामा बनने की खुशखबरी देने।